अच्छो, लेट अस स्टार्ट मालिक। आपको याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर में हम लोगों ने क्या किया था। लास्ट पार्ट के अंदर में हम लोगों ने IFOs को खत्म कर दिया था। अब बारी है इसके अनसॉल्व क्वेश्चन को क्या करने की मालिक, सॉल्व करने की। तो चलिए सॉल्व करते हैं एक एक क्वेश्चन करके। तो सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर, चेक इट आउट। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, तो यहां पे आपको दिखेगा, ऑन 10/10/2023 मिस्टर गोविंद, अ बैंक एम्प्लॉय, रिसीव 5 लाख रुपीज टूवर्ड्स द इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन ऑन कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ हिज लैंड इफेक्टेड ड्यूरिंग द 1819, ऑफ विच 1.5 रिलेट टू 1819, 1.65 रिलेट टू 1920, 1.85 टू 2021। ही इनकर्ड 50,000 बाई वे ऑफ लीगल एक्सपेंसेस टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन सच एनहांस कंपनसेशन। हाउ मच द इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन वुड बी चार्जेबल टू टैक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2024 एंड 2025। अब अगर आप देखेंगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेस्ड है इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन के ऊपर। क्या आपको याद है इंटरेस्ट ऑन एनहांस कंपनसेशन IFOs के अंदर में टैक्सेबल होता है? उस साल टैक्सेबल होता है जिस साल रिसीव होता है, और जितना भी रिसीव होता है इसमें से 50% अलाउड एज डिडक्शन। और अगर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल रहा है तो कोई और एक्सपेंसेस का डिडक्शन मिलने वाला नहीं है। यस ऑर नो? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा मालिक? इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आएगा, व्हाट एवर इज रिसीव्ड उसमें से 50% का स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो चलिए आंसर देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन ऑब्लिक एनहांस कंपनसेशन इज टैक्सेबल इन द ईयर ऑफ रिसीव, एंड एज पर सेक्शन 57, 50% ऑफ सच इंटरेस्ट इज अलाउड एज डिडक्शन इफ स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अवेलेबल नो अदर डिडक्शन शैल बी अवेलेबल। देयरफॉर पर्टिकुलर्स रुपीज एक्चुअल रिसीव्ड। अब इधर जाकर के देखो एक्चुअल रिसीव्ड कितना है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको एक्चुअल रिसीव्ड है भैया 5 लाख रुपीज। आपको एक्चुअल रिसीव्ड कितना दिख रहा है? 5 लाख रुपीज। तो बस काम खत्म। यहां पे आकर के लिख दो सर 5 लाख। इसमें से हम क्या माइनस करेंगे सर? डिडक्शन माइनस करेंगे अंडर सेक्शन 57, राइट? कितना? 2,50,000। अब क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल आ जाएगा आपका 2,50,000। चेक कर लो मालिक, आपका टैक्सेबल आ जाएगा 2,50,000। इज इट डन? चलो अब आते हैं मालिक नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है सर? गिफ्ट के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ये क्वेश्चन मॉड्यूल के अंदर में भी कवर्ड है, तो ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फॉलोइंग डिटेल्स हैव बीन फर्निश्ड बाय रूमाली पर्टेनिंग टू द
ईयर एंडेड 31 मार्च 2024, यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम इफ असेसेबल एज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन के अंदर में क्या लिखा हुआ है, फॉलोइंग डिटेल्स हैज बीन फर्निश्ड बाय रोमाली। क्या क्या गिफ्ट आपको मिला है? सबसे पहले मिला है आपको कैश गिफ्ट 51,000 का फ्रॉम हर फ्रेंड्स ऑन द ओकेजन ऑफ शिष्टिपदा पूर्ति, अ वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेटेड ऑन हर हस्बैंड्स कंप्लीटिंग 60 ईयर्स ऑफ एज। दिस वॉज ऑल्सो देयर 25th एनिवर्सरी। ठीक है, दुनिया भर की लिस्ट दी हुई है, आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट कंटेंट के ऊपर फोकस करना है। कैश गिफ्ट मिला है 51,000 का, किससे मिला है? फ्रेंड से मिला है, शिष्टिपदा पूर्ति, वेडिंग के ऊपर मिला है क्या? आंसर इज नो, वेडिंग एनिवर्सरी पे मिला है। वेडिंग एनिवर्सरी पे मिला हुआ गिफ्ट टैक्सेबल होना चाहिए, यस टैक्सेबल होगा, तो ये अमाउंट टैक्सेबिलिटी में आ जाएगी। ऑन द अबव ओकेशन डायमंड नेकलेस वर्थ ₹2 लाख वॉज प्रेजेंटेड बाय हर सिस्टर। बताइए सिस्टर, सिस्टर ने अगर कोई गिफ्ट दिया, क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए, ये एग्जम्प्ट होना चाहिए? सर, सिस्टर रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है क्या? आंसर इज यस, सिस्टर रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है। और अगर सिस्टर रिलेटिव की डेफिनेशन में आती है तो क्या ये टैक्सेबिलिटी में आएगा? आंसर इज नो। तो चलो ये एग्जम्प्ट हो जाना है मालिक आपका, यस और नो। तीसरा कैटेगरी आता है व्हेन शी सेलिब्रेटेड हर डॉटर्स वेडिंग। व्हेन शी सेलिब्रेटेड हर डॉटर्स वेडिंग, हर फ्रेंड असाइंड इन हिमालीज फेवर, यहां पे एक्चुअली रोमाली होना चाहिए, रोमालीज फेवर एफडी हेल्ड बाय द सेड फ्रेंड इन अ शेड्यूल्ड बैंक, द वैल्यू ऑफ एफडी एंड द अक्रूड इंटरेस्ट ऑन द सेट डेट इज 51,000। अब अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन के अंदर में उन्होंने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन के अंदर में उन्होंने लिखा है कि भैया एफडी दिए। अब एक क्वेश्चन आता है कि क्या एफडी आपका कैश है, कैश इक्विवेलेंट है, या ये कैश इक्विवेलेंट नहीं है। ये एक क्वेश्चन आता है, क्या ये कैश कैश इक्विवेलेंट है या ये कैश कैश इक्विवेलेंट नहीं है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, देखिए मनी के डेफिनेशन में एफडी को लाया नहीं गया है, तो ऐसे क्वेश्चन को हमें 2 बार सॉल्व करना होगा, एक इसे मनी कंसिडर करते हुए और दूसरा इसे मनी कंसिडर नहीं करते हुए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसे 2 एस्पेक्ट के अंदर में लिखेंगे। आइए देखते हैं एक एक एस्पेक्ट को। प्रॉब्लम नंबर 2, रोमाली, अकॉर्डिंगली आपका असेसमेंट ईयर, और यहां पे आ जाता है कंप्यूटेशन, पर्टिकुलर्स रुपीस रुपीस। अब यहां पे आप जब भी IFOS सॉल्व करते रहेंगे, एक बात ध्यान रखना, जब भी आप क्या कर रहे होंगे बेटा, IFOS सॉल्व कर रहे होंगे, पर्टिकुलर्स रुपीस रीजन, ऐसे आप 3 कॉलम बनाओ ताकि नोट्स का भी काम यही हो जाए। ये वो फॉर्मेट है जो मॉड्यूल ने यूज किया हुआ है, आप ओपन करके देख सकते हो, ये वो फॉर्मेट है जो मॉड्यूल ने यूज किया हुआ है, तो ये फॉर्मेट को सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। आइए चेक करते हैं। कैश गिफ्ट 51,000 रुपीज का, कैश गिफ्ट एक्सीडिंग रुपीज 50,000 शैल बी टैक्सेबल। तो ये हो गया मालिक पहला वाला। यहां पे हम लोग लिख रहे हैं कैश गिफ्ट एक्सीडिंग रुपीज 50,000 इज कंप्लीटली टैक्सेबल, यस। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। दूसरा है बेटा डायमंड नेकलेस। दूसरा क्या है बेटा? डायमंड नेकलेस। डायमंड नेकलेस को हम लोग क्या कहेंगे? नील कहेंगे। सर क्यों? गिफ्ट रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव इज एग्जम्प्ट। तो जो भी गिफ्ट रिलेटिव से मिला हुआ है वो क्या है बेटा? एग्जम्प्ट। एंड सिस्टर इज रिलेटिव, सिस्टर को हम क्या मान रहे हैं मालिक? रिलेटिव मान रहे हैं। तीसरा क्या आता है सर? तीसरा आता है आपका एफडी। तीसरा क्या आता है मालिक? तीसरा आता है आपका एफडी। नाउ एफडी के लिए हमारे पास 2 ओपिनियन है, एक एफडी को हम लोग कैश मान सकते हैं, कैश इक्विवेलेंट मान सकते हैं, दूसरा हम एफडी को कैश या कैश इक्विवेलेंट नहीं मानते। तो आप कोई भी ऑप्शन से पहले सॉल्व कर सकते हो, दूसरे में अल्टरनेटिव सॉल्यूशन दे सकते हो, याद रखिएगा, राइट? सो एफडी को हम सबसे पहले क्या करते हैं? कैश नहीं मानते, सिंस एफडी इज नॉट मनी, इट इज नॉट कंसिडर्ड
एज गिफ्ट। अगर हम एफडी को क्या नहीं मानते सर, मनी मनी इक्विवेलेंट नहीं मानते, तो हम लोग क्या मान लेते हैं सर, ये मान लेते हैं कि भैया वो गिफ्ट नहीं है। और ऐसे केस में फिर आपकी जो टोटल आईएफओएस बनने वाली है वो बनेगी 51,000। आर यू गेटिंग द पॉइंट? नीचे आना, नीचे आकर के हम लोग लिखेंगे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। नीचे आना, नीचे आकर के हम लोग लिखेंगे अल्टरनेटिव सॉल्यूशन। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे, अल्टरनेटिव सॉल्यूशन के अंदर में हम लोग इफ एफडी इज कंसिडर्ड एज कैश। क्योंकि देखिए ये कैसा प्रॉब्लम है जिसके मैंने जानबूझ करके ये प्रॉब्लम इंक्लूड किया, ताकि आपको ये पता चले कि इंस्टीट्यूट ऐसे भी घुमाता है और खुद उन्होंने भी इसको अल्टरनेटिव आंसर में लिखा हुआ है। सो इफ एफडी इज कंसिडर्ड एज, इफ एफडी इज कंसिडर्ड एज मनी फॉर द पर्पज ऑफ सेक्शन 56 to 10, देन टोटल आईएफओएस वुड बी कितना था, यहां पे अमाउंट चेक करो, एफडी का अमाउंट कितना था, 51,000। तो 51,000 प्लस पहले के 51,000, 1,02,000। चेक कर लीजिए मालिक, इज दैट डन? बहुत बेहतर बेटा, चेक करो, डन हो गया साहब। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। ये हो गए हमारे दो क्वेश्चन, अब हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये डीम डिविडेंड कंसेप्ट से हम लोग लेकर के आए हैं भैया, हर तरीके का कंसेप्ट होना चाहिए। डीम डिविडेंड कंसेप्ट से हम लोग लेकर के आए हैं 222E के ऊपर बेस्ड। तो आओ आ करके देखते हैं द क्वेश्चन नंबर 3। चेक करो मालिक, धवल इज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइज्ड किचन इक्विपमेंट। ही इज ऑल्सो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड नियरली 65% ऑफ द पेड अप कैपिटल ऑफ आर एफ प्राइवेट लिमिटेड। अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ धवल इज ऑब्टेन्ड थ्रू आर एफ प्राइवेट लिमिटेड। फॉर दिस पर्पज आर एफ पास ऑन एन एडवांस रिसीव्ड फ्रॉम इट्स कस्टमर टू धवल टू एग्जीक्यूट द जॉब वर्क एंट्रस्टेड टू हिम। द एओ हेल्ड दैट द एडवांस मनी रिसीव्ड बाय धवल इज इन द नेचर ऑफ लोन गिवन बाय आर एफ टू हिम एंड अकॉर्डिंगली इज डीम डिविडेंड विद इन द मीनिंग ऑफ प्रोविजन 222E ऑफ द इनकम टैक्स। द एओ देयरफॉर मेड द एडिशन बाय ट्रीटिंग एडवांस मनी एज डीम डिविडेंड ऑफ द इनकम ऑफ धवल। एग्जामिन वेदर द एक्शन ऑफ एओ इज टेनेबल इन लॉ। अब अगर आप इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखोगे ना दोस्त, यहाँ पे कुछ बातें लिखी हुई है। पॉइंट नंबर पहला, राइट, अगर कोई सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता है और ऐसे केस में लोन एंड एडवांस अगर आपको मिलता है तो हम इसे डीम डिविडेंड मानते हैं अंडर सेक्शन 222E। ये तो एकदम बराबर लॉ है। अब बात समझना यहाँ पे डिफरेंस क्या है। यहाँ पे ये कहता है अ सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, राइट, ऑफ धवल इज ऑब्टेन्ड थ्रू आरव, बराबर है, सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑफ धवल इज ऑब्टेन्ड थ्रू आरव, मतलब धवल का जो मेजर बिजनेस है वो किसके थ्रू आता है, आरव के थ्रू आता है। यानी अगर हम मान करके चले सब्सटैंशियल पार्ट का मतलब मोर देन 50% आरव के थ्रू आता है। अब यहां पे हम इसे एडवांस माने या डीम डिविडेंड लोन माने, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं अगर एडवांस दिया गया है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, अगर एडवांस दिया गया है इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, तो फिर उस केस में क्या नहीं हो सकता सर, उस केस के अंदर में ये डीम डिविडेंड नहीं माना जा सकता। उस केस में ये क्या नहीं माना जा सकता सर, डीम डिविडेंड नहीं माना जा सकता। सो धवल इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कस्टमाइज किचन, बराबर है, नियरली 60% पेड अप कैपिटल वो किसका होल्ड करता है, आरब। सब्सटैंशियल पार्ट ऑफ धवल बिजनेस किससे आ रहा है सर, आरब से आ रहा है, बराबर है। एंड फॉर दिस पर्पज आरव ने जो एडवांस रिसीव किया था कस्टमर से वो किसको पास ऑन कर दिया, धवल को, कि भैया काम करने के लिए तू ये एडवांस ले ले, राइट।
काय के लिए, टू एग्जीक्यूट द जॉब वर्क एंट्रस्टेड टू हिम। अब यहां पे अगर आप देखेंगे, ये जो लोन दिया गया है इसका एसेंशियल पर्पस, इसका एसेंशियल मीनिंग किस चीज के लिए बना है सर? इसका एसेंशियल मीनिंग बना हुआ है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। यहां पे कहीं पे भी ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको क्या करना है, लोन या एडवांस देना है। यहां क्लियर कट समझ में आ रहा है ऑब्जेक्टिव क्या है, जॉब वर्क कंप्लीट करने के लिए क्या दिया गया है, एडवांस दिया गया है। तो सर इसे क्या नहीं माना जाता? डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा, बिकॉज इट इज मेड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, बिकॉज इट इज मेड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। आर यू गेटिंग द पॉइंट? सो चेक करिए। प्रॉब्लम नंबर थ्री, एज पर सेक्शन 222E, इफ एनी पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन द बिजनेस, ऑफ अ प्राइवेट कंपनी एंड सच प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड्स लोन ऑब्लिक एडवांस टू सच पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और टू एनी कंसर्न इन विच सच पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देन द अमाउंट ऑफ लोन एडवांस, द अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस शैल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंड। सच अमाउंट ऑफ लोन और एडवांस शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। However, provision is not applicable if the advance is made in ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। द एडवांस इज मेड इन द ऑर्डनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। यस, इन दिस केस मेजर पार्ट ऑफ बिजनेस ऑफ मिस्टर धवल इज रिसीव्ड फ्रॉम प्राइवेट कंपनी एंड द अमाउंट इज गिवन फॉर एग्जीक्यूटिंग जॉब वर्क। हेंस इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डीम डिविडेंट। हेंस
इट इज नॉट कंसिडर्ड एज डीम्ड डिविडेंड। इज दैट डन मालिक? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम लोगों ने फ्रेम किया था 222E के भरोसे पे, तो जरा देखिएगा। डन, आ जाओ आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे एक फोर्थ क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फोर। ये भी बोरवेल पे बेस्ड है, जिसको हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ते वक्त देखा हुआ है, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर फोर बोरवेल पे बेस्ड है, अगेन 222E के ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है। देख IFOS के अंदर में या तो तेरे को गिफ्ट पे क्वेश्चन है, या तो तेरे को डिविडेंड पे क्वेश्चन है, या तो 222E पे क्वेश्चन है। ये बहुत सिंपल है, तेरे को जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो इसी से आने वाले हैं, इसके बाहर कुछ नहीं आने वाला। तो चेक कर मालिक। MNO लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच पब्लिक इज नॉट सब्सटैंशियली इंटरेस्टेड। मतलब ये कौन सी कंपनी हो गई मालिक? प्राइवेट कंपनी। बराबर है, ये कौन सी कंपनी होगी मालिक? प्राइवेट कंपनी। के इज द शेयर होल्डर ऑफ कंपनी होल्डिंग 15% ऑफ द इक्विटी शेयर। मतलब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट आ गया। यस, द अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज 10 लाख रुपीज। कंपनी लेंट 1 लाख रुपीज टू के बाय अकाउंट पे ड्राफ्ट ऑन अक्टूबर 2023। द लोन वॉज नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस। के रीपेड द लोन बिफोर द ईयर एंड। इट द डेट शुड बी 31 मार्च 2024। यहाँ पे डेट क्या होना चाहिए? 30 मार्च 2024। एग्जामाइन द इफेक्ट ऑफ बोरवल एंड रीपेमेंट ऑफ लोन बाय के ऑन कंप्यूटेशन ऑफ इज टोटल इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर। अब देखिए ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर बेस्ड है। आपको अगर याद हो तो हम लोगों ने देखा था कि 222E के अंदर में देखा था कि अगर आप क्या कर देते हो, लोन या एडवांस दे देते हो, और वो ड्यूरिंग द ईयर भी वापस आ जाता है। याद आ रहा है क्या? ड्यूरिंग द ईयर भी वो क्या कर लेता है बेटा, वापस आ जाता है, तो इसे क्या माना जाता है? डीम डिविडेंड ही माना जाता है। द प्रोविजंस ऑफ डीम डिविडेंड आर एप्लीकेबल एट द टाइम व्हेन लोन इज गिवन। द प्रोविजन ऑफ डीम डिविडेंड इज एप्लीकेबल एट द टाइम व्हेन लोन इज गिवन। आपको अगर याद हो तो सेम चीज हम लोगों ने 222E के अंदर में भी देखी हुई है। चलो मेरे साथ ऊपर। यस, ये देखो तारुलता शाम का केस लॉ था। द सेक्शन इज एप्लीकेबल एट द टाइम वेन लोन इज गिवन, हेंस इवन इफ द लोन इज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर देन ऑल्सो सेक्शन इज एप्लीकेबल। तो वो इस केस लॉ के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन है। आइए मैं आपको बताता हूं इसको लिखना कैसे है। इफ एनी पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट इन दी प्राइवेट कंपनी एंड सच प्राइवेट कंपनी प्रोवाइड्स लोन्स ऑब्लिक एडवांस टू एनी पर्सन हैविंग सब्सटेंशियल इंटरेस्ट और टू एनी कंसर्न इन विच सच पर्सन हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट देन सच लोन ऑब्लिक एडवांस विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड। देन सच लोन और एडवांस शैल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंड।
इज अ डन। नेक्स्ट पार्ट, एज हेल्ड इन तारुलता श्याम केस। अब अगर आपको केस लॉ का नाम याद है तो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, या तो आप सीधे सीधे इसके अंदर में लिख सकते भी है एज हेल्ड इन वन ऑफ द केस लॉ। नहीं याद आ रहा, अननेसेसरी बर्डन मत लो। एज हेल्ड इन तारुलता श्याम केस इफ लोन इज रीपेड ड्यूरिंग द ईयर स्टिल 222E इज एप्लीकेबल। केस हेल्ड दैट सेक्शन इज एप्लीकेबल एट द टाइम व्हेन लोन इज गिवन। हेंस इन द अबव केस लोन अमाउंट शैल बी ट्रीटेड एज डीम डिविडेंट। हियर द लोन अमाउंट विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड डिविडेंट। चेक करो। डेनोमिनेटर बहुत बढ़िया। तो यहां सर हमारे आईएफओएस के जो क्वेश्चन थे फास्ट ट्रैक बुक के अंदर में दिए हुए थे ये तो खत्म होते हैं। क्यों ना आप मेरे साथ कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करें। आइए अपना क्वेश्चन बैंक निकाल दीजिए। क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो मालिक चालू करेंगे। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है अपना क्वेश्चन बैंक निकाल दीजिए। जो क्वेश्चन है मैंने आपको दिया है वो क्वेश्चन है निकाल दीजिए। कुछ अच्छे क्वेश्चन वहां से भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चन वहां से। तो मेरे सामने है ये आपका क्वेश्चन बैंक। ये क्वेश्चन बैंक मैंने आपके सामने रखा हुआ है। तो चलो क्वेश्चन बैंक से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यों ना हम पहले क्वेश्चन उठा ले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर वन। चेक करो क्वेश्चन को पहले अच्छे से। राइट, दिस इज बेस्ड ऑन गिफ्ट प्लस कैपिटल गेन। तो एक कंबाइंड क्वेश्चन है गिफ्ट का भी और कैपिटल गेन का भी। इस कंबाइंड क्वेश्चन को देखते हैं। चेक करो, मिस्टर ए इज द डीलर इन शेयर्स रिसीव्ड द फॉलोइंग विदाउट कंसिडरेशन। ठीक है सर, कुछ चीजें विदाउट कंसिडरेशन में रिसीव्ड हुई है, बताओ क्या क्या। पहला, कैश गिफ्ट 75,000 ऑन हिज एनिवर्सरी। कैश गिफ्ट मिला है 75,000 का, एनिवर्सरी पे मिला है, एनिवर्सरी पे मिला है। बताइए सर, एनिवर्सरी पे अगर कोई गिफ्ट मिलता है क्या वो एग्जम्प्ट होता है? द आंसर इज बिल्कुल सही, नो। तो क्या ये 50,000 से ऊपर जा रहा है? यस। क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? यस। क्या लिखेंगे आप? पर्टिकुलर्स, रुपीज, रीजन का फॉर्मेट आप दे सकते हैं, देना है तो यस और नो। अब अगर हम ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले इस कैश गिफ्ट टैक्सेबल? यस सर, कैश गिफ्ट टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56(2)(10). कितना सर? पूरा 75,000 टैक्सेबल होना चाहिए। पूरा 75,000 यहाँ पे कवर किया हुआ है। डन है मालिक। दूसरा, बुलियन फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 60,000 ऑन हिज बर्थडे। अब बताइए क्या बुलियन कैपिटल एसेट है? यस। क्या वैल्यू 50,000 से ऊपर है? यस। क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? अगेन यस। तो यहाँ पे बुलियन प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में है ये बताया हुआ है, और सिंस इसकी वैल्यू 50,000 से ऊपर जा रही है, जो चीज हम कह रहे हैं बस वही चीज आपको यहां पे लिखना है। ये कितना हो जाएगा सर? 60,000। थर्ड बात कर लेते हैं, अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद। तीसरा देखिए, अ प्लॉट ऑफ लैंड एट फरीदाबाद ऑन 1 जुलाई 2023। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है सर उसकी? 5 लाख रुपीज। एज ऑन दैट डे बी हैज परचेज द लैंड इन अप्रैल 2009। भैया अगर आप ध्यान से देखेंगे
तो आपको ए को क्या मिला है, प्लॉट ऑफ लैंड मिला है। किससे मिला है? बी से मिला है, जिसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू 5 लाख है। लेकिन एक बात ध्यान रखना होगा, यहां कंसिडरेशन नहीं दिया है। मतलब क्या मैं ऐसा कह सकता हूं दैट इमूवेबल प्रॉपर्टी इज रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन? आंसर इज येस। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव हो रही है, दैट टू विदाउट कंसिडरेशन रिसीव हो रही है, तो क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? आंसर इज येस, ये टैक्सेबल होना चाहिए। कितना? पूरा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू। तो आप देखिएगा, स्टैंप ड्यूटी वैल्यू ऑफ द प्लॉट रिसीव्ड विदाउट कंसिडरेशन कितने रुपए हो जाएंगे मालिक? 5 लाख रुपीज हो जाएंगे। यस। एक और, मिस्टर ए परचेज्ड फ्रॉम हिज फ्रेंड सी हु इज अ डीलर इन शेयर्स 1000 शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड एट 400, राइट, द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ विच इज 600 एज ऑन दैट डे। ए सोल्ड दिस शेयर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑन 23 जून 2023। ठीक है सर। अच्छा, राइट। अब अगर आप देखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुली ड्राफ्टेड है। यहां पे ए ने परचेज किया है किससे बेटा? फ्रेंड से, सी से, हु इज अ डीलर इन शेयर्स। बराबर है, जो कौन है? डीलर इन शेयर्स है। 1000 शेयर उसने दिए हैं 400 के हिसाब से। फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है उसकी? 600 रुपए है। आपको याद है हम लोगों ने एक बात डिस्कस करी थी, जो भी चीज आपको रिसीव्ड हो रही है, इट मस्ट बी अ कैपिटल असेट इन ऑर्डर टू बी टैक्स्ड एज गिफ्ट। याद आ रहा है आपको? अगर आपको गिफ्ट बोल करके टैक्सेबल होना है, तो आपके क्या जरूरी है बेटा? उस असेट का कैपिटल असेट होना बहुत जरूरी है। अब अगर यहां पे देखो, क्वेश्चन का इतना ब्यूटीफुली ड्राफ्ट किया गया है, ए परचेज करता है अपने फ्रेंड से, सी से, राइट, हु इज अ डीलर इन शेयर्स। अब डीलर इन शेयर्स है, अगर डीलर इन शेयर्स है तो शेयर्स उसके लिए क्या बन गया बेटा? स्टॉक इन ट्रेड बन गया। अगर स्टॉक इन ट्रेड है, जो असेट आपको रिसीव्ड हो रहा है वो क्या है बेटा? स्टॉक इन ट्रेड बन रहा है, स्टॉक इन ट्रेड था जिसके लिए वो ट्रांसफर कर रहा है। तो ऐसे केस में बताइए, क्या गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल हो सकता है? द आंसर इज नो। तो यहां देखिए, द डिफरेंस 2 लाख बींग द वैल्यू ऑफ शेयर परचेज फ्रॉम सी हु इज अ डीलर इन शेयर इज नॉट टैक्सेबल एज इट रिप्रेजेंट स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए। यस, इट रिप्रेजेंट स्टॉक इन ट्रेड ऑफ मिस्टर ए। अब आप देखो, ए कौन था? डीलर इन शेयर था। तो जो रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है मालिक? स्टॉक इन ट्रेड है। जो रिसीव कर रहा है उसके लिए क्या है? स्टॉक इन ट्रेड है। तो ये टैक्सेबल नहीं हो सकता एज गिफ्ट। सिंस मिस्टर ए इज द डीलर इन शेयर, सिंस मिस्टर ए इज द डीलर इन शेयर एंड इट हैज बीन मेंशन दैट द शेयर वेयर सब्सिक्वेंटली सोल्ड इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सच शेयर रिप्रेजेंट स्टॉक इन ट्रेड। और स्टॉक इन ट्रेड के ऊपर क्या नहीं आ सकता सर? गिफ्ट का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं हो सकता। तो जो रिसीव कर रहा है, अगर उसके लिए ये कैपिटल असेट नहीं है, तो गिफ्ट का प्रोविजन यहां पे एप्लीकेबल नहीं है। ध्यान रखना होगा, राइट। फर्दर फर्दर, मिस्टर ए सोल्ड दिस शेयर इन द कोर्स ऑफ बिजनेस। अच्छा जी सर। ऑन 1 नवंबर 2023 मिस्टर ए टुक द पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी बिल्डिंग एट 32 लाख एज ऑन द डेट ऑफ बिल्डिंग वॉज 23 लाख। ही हैज पेड 1 लाख बाय अकाउंट पे चेक एज डाउन पेमेंट एज ऑन द डेट ऑफ बुकिंग। ऑन 1 मार्च 2024 ही सोल्ड द लैंड फॉर 7 लाख रुपीज। अच्छा जी सर। अब ध्यान से सुनिएगा। ही टुक द पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बिल्डिंग बुक्ड बाय हिम 2 ईयर बैक। कितने में? 20 लाख। स्टैंप ड्यूटी कितना है उस प्रॉपर्टी का? 32 लाख एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। एंड एज ऑन द डेट ऑफ बुकिंग उसका स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कितना था? 23 लाख। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहां पे दो स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दी हुई है। पहला स्टैंप ड्यूटी वैल्यू आपको दिया है रजिस्ट्रेशन का 2023 में, वो है 32 लाख रुपए। दूसरा बुकिंग के टाइम का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू दिया है 23 लाख रुपीज का। बराबर है। और हमें कौन सा स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लेना है? अगर आप देखेंगे, आपने क्या किया है सर? पोजेशन लिया है प्रॉपर्टी का जो बुक हुआ था, 2 ईयर्स बैक। क्या 2 ईयर्स बैक का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिया जा सकता है? यस, 2 ईयर्स बैक, दैट इज डेट ऑफ अग्रीमेंट का स्टैंप ड्यूटी वैल्यू लिया जा सकता है, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ कंसिडरेशन एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट होना चाहिए, और ये पे होना चाहिए अकाउंट पे चेक से। तो अगर आप ध्यान देंगे, हमें स्टैंप ड्यूटी वैल्यू कब का लेना है? 32 लाख, दैट इज 2023, या डेट ऑफ बुकिंग के टाइम का जो 23 लाख था।
इसी के आगे अगर आप देखेंगे 1 लाख रुपीज हम लोगों ने क्या किया था, डाउन पेमेंट दिया था एज ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, यानी कंसिडरेशन या पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन एज ऑन द डेट ऑफ बुकिंग आ गया, आंसर इज यस। दूसरा, क्या ये अकाउंट पे ही चेक से दिया था, तो हाँ भैया ये अकाउंट पे ही चेक से दिया था। मतलब हम कौन से दिन का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे, हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखेंगे एज ऑन द डेट ऑफ बुकिंग, दैट इज 23 लाख। आपने अभी प्रॉपर्टी कितने के अंदर में ली सर, 20 लाख रुपीज के अंदर में, 20 प्लस 10%। क्या आपका स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10% ऑफ कंसिडरेशन से ऊपर है, आंसर इज यस। क्या ये 50,000 से भी ऊपर है, आंसर इज यस। तो डिफरेंस 3 लाख रुपीज क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। डिफरेंस 3 लाख रुपीज क्या हो जाएगा सर, टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर इनका आप सारा सबमिशन करें, ये आएगा 9,35,000। चेक द प्रॉब्लम मालिक। इफ दिस इज डन, चलो जी डन है मलिक। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पे कैपिटल गेन भी अराइज होगा क्या, यस, बिकॉज आपने क्या किया है, सेल भी किया है, तो उसका कैपिटल गेन कंप्यूटेशन आपको क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है। आपने इन शेयर्स को सेल कर दिया था सर, राइट। आपने इनको क्या कर दिया था सर, शेयर कर दिया था, नहीं शेयर नहीं, प्लॉट ऑफ लैंड, प्लॉट ऑफ लैंड को आपने क्या कर दिया था सर, सेल कर दिया था, तो ये आया सेल वैल्यू। अब ये जो प्लॉट मिला था ये आपको विदाउट कंसिडरेशन मिला था, ये जो प्लॉट मिला था आपको विदाउट कंसिडरेशन मिला था, तो जितना वैल्यू आपने कैपिटल गेन पर्पस के लिए कंसिडर करना है एज अ कॉस्ट, ये वही वैल्यू होगा जो आपने IFOS के लिए क्या कंसिडर किया था, एज फेयर मार्केट वैल्यू फॉर टैक्सेबल। तो ये आ गया 49.4 के हिसाब से वो वैल्यू जो आपने IFOS के अंदर में क्या किया था मालिक, टैक्स किया था। यहां पे आपका 2 लाख रुपीज शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी क्या हो गया, अराइज हो गया। इज दैट डन, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो खैर इजी है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिएगा। ये एक मिक्सचर है PGBP प्लस IFOS का। दो आई नो आपने अभी तक के PGBP नहीं पढ़ा है, पर आपने ये जो सेक्शन है 43CA ये जरूर पढ़ लिया है। क्या मैं आपको बता देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग अगर स्टॉक इन ट्रेड बोल करके होल्ड किया तो 43CA लगता है, लैंड एंड बिल्डिंग अगर इन्वेस्टमेंट बोल के होल्ड किया तो 50C लगता है। क्या आपको याद है, राइट right? तो उसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड ये क्वेश्चन है। मार्क दिस क्वेश्चन एज इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं। मिस्टर हरी, अ प्रॉपर्टी डीलर हु सोल्ड हिज बिल्डिंग इन द कोर्स ऑफ हिज बिजनेस टू हिज फ्रेंड राजेश हु इज डीलर इन ऑटोमोबाइल पार्ट। ठीक है, हरी कौन है, प्रॉपर्टी डीलर, मतलब जो बेच रहा है, इसके लिए क्या आ गया, स्टॉक इन ट्रेड। राजेश कौन है, ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट डीलर। कितने में बेचा सर, 90 लाख रुपीज में बेचा, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी थी सर, 150 लाख रुपीज थी, बराबर है। द अग्रीमेंट वॉज हाउएवर एंटर्ड इन सितंबर 2023 व्हेन द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू वॉज 140 लाख। अगेन उसी तरीके का क्वेश्चन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमने किस दिन की कंसिडर करना चाहिए। कई सारे बच्चे यू नो वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं कि सर आप उस टाइम पे एग्जाम्पल दो। बेटा देखो, उस टाइम पे ये रेगुलर बैच होता तो मैं शायद आपको दे भी देता, फास्ट्रैक बैच के अंदर में ये नहीं पॉसिबल हो पाता है। फास्ट्रैक बैच के अंदर में पहले आपको पूरा कंटेंट हम लोग करवा दे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सोल्व करें तो काम की चीज होती है। अब देखिए, जो बच्चा पूरा फास्ट्रैक देख रहा है और ये क्वेश्चन भी सोल्व कर रहा है ना, उसको डेफिनेटली मजा आ रहा होगा, क्योंकि कंटेंट भी कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा है और साथ साथ में हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। यस और नो, मिस्टर हरी हैज रिसीव्ड द डाउन पेमेंट ऑफ 15 लाख रुपीज। हरी ने क्या किया सर, डाउन पेमेंट रिसीव कर लिया, कितने का, 15 लाख। किससे किया था लेकिन सर, क्रॉस चेक से किया था। किससे किया था सर, क्रॉस चेक से किया था एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट। डिस्कस द टैक्स इंप्लीकेशन इन द हैंड्स ऑफ हरी एंड राजेश, अज्यूमिंग हरी हैज परचेज द बिल्डिंग फॉर 75 लाख ऑन 12 जुलाई 2022। वुड योर आंसर भी डिफरेंट इफ हरी इज अ शेयर ब्रोकर इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्टी डीलर। अब सबसे पहले एक एक के हाथ में ट्रांजेक्शन समझते हैं। सबसे पहले हरी, हरी कौन था सर, हरी कौन है यहाँ पे, हरी है एक प्रॉपर्टी डीलर। चेक कर लीजिए क्वेश्चन, हरी कौन है यहाँ पे, हरी है यहाँ पे एक प्रॉपर्टी डीलर। अब प्रॉपर्टी डीलर के लिए प्रॉपर्टी क्या है मालिक, स्टॉक इन ट्रेड हो गई। प्रॉपर्टी डीलर के लिए प्रॉपर्टी क्या है मालिक, स्टॉक इन ट्रेड हो गई। स्टॉक इन ट्रेड अगर वो ट्रांसफर करता है
है तो क्या अराइज होना चाहिए, पीजीबीपी, और इसी के लिए सेक्शन आता है सेक्शन 43 CA। सेक्शन 43 CA भी वही बात करता है, इफ स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू विल बी फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। यस, वही पॉइंट, बस 50 C को कट कॉपी पेस्ट कर दो पीजीबीपी में तो 43 CA आ जाता है। अच्छा जी सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किस दिन की लेना चाहिए सर हम लोगों ने? सर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपने लेना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो। कौन सी दो कंडीशन? कंसिडरेशन या पार्ट देयर ऑफ पे होना चाहिए एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट, और ये पे होना चाहिए बाय अकाउंट पे, चेक, ड्राफ्ट, ईसीएस और अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड। अब यहां पे 140 लाख को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना या 150 लाख को स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेना, ये एक इंपॉर्टेंट कंसर्न है। तो सर डरने की तो कोई बात ही नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि आप लेंगे स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 150 लाख एंड नॉट 140 लाख। क्यों? क्योंकि जो पेमेंट हुआ है सर ये किससे हुआ है? क्रॉस चेक से हुआ है। जो पेमेंट हुआ है सर ये किससे हुआ है? क्रॉस चेक से हुआ है, और इसी के लिए आप क्या लेंगे? स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, दैट इज 150 लाख। अब क्या प्रॉपर्टी कितने में सोल्ड हुई थी सर? 90 लाख में, जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है? 150 लाख है। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं हरी, दैट इज बेचने वाले के हाथ में पीजीबीपी आएगा, और पीजीबीपी के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या पकड़ा जाएगा? 150 लाख रुपीज पकड़ा जाएगा। यस, तो चेक करिए, इन द हैंड्स ऑफ हरी, चेक करिए, इन द हैंड्स ऑफ हरी द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 43 CA वुड बी अट्रैक्टेड सिंस द बिल्डिंग इज रिप्रेजेंटेड एज स्टॉक इन ट्रेड एंड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन। 43 CA ऑप्शन टू अडॉप्ट स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ अग्रीमेंट कैन बी एक्सरसाइज ओनली इफ द होल और पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन हैज बीन रिसीव्ड ऑन और बिफोर द डेट ऑफ अग्रीमेंट थ्रू ईसीएस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आईएमपीएस, यूपीआई, आरटीजीएस, एनईएफटी, भीम पे। यस, इन दिस केस सिंस डाउन पेमेंट 15 लाख इज रिसीव्ड बाय क्रॉस्ड चेक एंड नॉट अकाउंट पे चेक, द ऑप्शन कैन नॉट बी एक्सरसाइज। देयर फॉर 75 लाख बींग द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर, दैट इज 150 लाख, एंड परचेज प्राइस वुड बी चार्जेबल एज बिजनेस इनकम इन द हैंड्स ऑफ हरी सिंस द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड 110% ऑफ कंसिडरेशन। राइट, तो वापस वो वही बात कह रहे हैं कि डिफरेंस भी टैक्सेबल हो जाएगा, मतलब एक्चुअल वैल्यू प्लस डिफरेंस इन टोटल 150 लाख क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा। 150 लाख क्या हो जाएगा सर? टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी डिफरेंस क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरी बात सर, राजेश क्या इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेस कर रहा है? आंसर इज यस। क्या राजेश इन एडिक्वेट कंसिडरेशन में परचेस कर रहा है? यस। 150 लाख रुपीज स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मानेंगे, 90 लाख रुपीज इसका परचेस प्राइस हो जाएगा, तो सर 60 लाख रुपीज इसके लिए क्या बन जाएगा? IFOS अंडर सेक्शन 56 टू 10। याद है हम लोगों ने पूरा इंटरलिंकिंग से पढ़ा था मालिक, तो चेक कर लो। सिंस राजेश इज द डीलर इन ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट, द बिल्डिंग इज परचेज वुड बी अ कैपिटल असेट इन हिज हैंड, द प्रोविजन ऑफ 56 टू 10 वुड बी अट्रैक्टेड। देयर फॉर 60 लाख बिंग द डिफरेंस बिटवीन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 150 लाख एंड एक्चुअल कंसिडरेशन 90 लाख वुड बी टैक्सेबल अंडर सेक्शन 56 टू 10 इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश, इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजेश। यस, अब बताइए दूसरा पार्ट, क्या आंसर आपका बदल जाता अगर हरी यू नो प्रॉपर्टी डीलर ना होके शेयर डीलर होता? हाँ, हमारा आंसर बदल जाता। क्या आंसर होता? अब जो हमारा आंसर निकलता वो सेक्शन 50 C में निकलता। अब जो हमारा आंसर निकलता वो सेक्शन 50 C में निकलता। रेस्ट एवरीथिंग क्या होता? सेम। यहां पे भी वही प्रोविजन एप्लीकेबल होती, यहां पे भी वही प्रोविजन एप्लीकेबल होती, राइट? और डिफरेंस जो होता हम उसको क्या कर देते? टैक्स कर देते। हम डिफरेंस जो होता वो टैक्स कर देते। तो सर राजेश के हाथ में तो कोई डिफरेंस नहीं आता, देर वुड हैव बीन नो डिफरेंस इन द हैंड ऑफ टैक्सेबिलिटी ऑफ राजेश, क्योंकि उसके हाथ में तो वैसे भी 56 टू 10 एप्लीकेबल है, वैसे भी 56 टू 10 एप्लीकेबल है। बस हरी के हाथ में 43 CA के जगह क्या आ जाता सर? 50 C आ जाता। रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम। तो एक ही प्रॉब्लम जिसमें तीन अलग अलग चैप्टर पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड आईएफओएस की कंसेप्टेबिलिटी हम लोगों ने कवर करी। यस और नो? चलो एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जम्पशन फ्रॉम गिफ्ट के ऊपर। गिफ्ट से कुछ चीजें एग्जम्प्ट है, चलो आओ इधर देखते हैं। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन हम लोगों ने बेस्ड रखा है, हालांकि इसके दो पार्ट है, देखते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4, एग्जम्पशन फ्रॉम गिफ्ट पार्ट ए पार्ट बी, ऐसे दो पार्ट लिखे हुए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं पार्ट टू के ऊपर। शीज एन एम्प्लॉय इन अ कंपनी विद अ टैक्सेबल सैलरी ऑफ 5 लाख, रिसीव्ड अ कैश गिफ्ट
ऑफ 1 लाख फ्रॉम आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर 12AA फॉर मीटिंग द मेडिकल एक्सपेंसेस। इज दिस कैश गिफ्ट सो रिसीव्ड फ्रॉम द ट्रस्ट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर सुजान? ये एक पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन है। बताइए ऐसे ट्रस्ट से गिफ्ट मिला है जो क्या है, 12AA के अंदर में रजिस्टर्ड है। ऐसे ट्रस्ट से गिफ्ट मिला है जो 12AA के अंदर में क्या है, रजिस्टर्ड है। आप ही सोच समझ के बताइए क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए या ये एग्जम्पशन कैटेगरी में आना चाहिए। तो सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है दैट अगर गिफ्ट रिसीव हो रहा है, अगर गिफ्ट क्या हो रहा है सर, रिसीव हो रहा है, तो ये गिफ्ट क्या होना चाहिए, टैक्सेबल होना चाहिए। बट अगर ये 12AA के हाथ में से आ रहा है, उस व्यक्ति के हाथ में से आ रहा है जो 12AA के अंदर में कवर हो रहा है, तो ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। द प्रोविजन ऑफ 56 to 10 वुड नॉट बी अप्लाई, द प्रोविजन ऑफ 56 to 10 वुड नॉट अप्लाई इफ एनी सम ऑफ मनी और एनी प्रॉपर्टी रिसीव फ्रॉम एनी ट्रस्ट इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA। देयरफॉर द कैश गिफ्ट ऑफ 1 लाख रिसीव फ्रॉम आत्मा चैरिटेबल ट्रस्ट विच इज रजिस्टर्ड अंडर 12AA वुड नॉट बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर 56 to 10, अंडर 56 to 10। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस चलो जी मालिक। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, राइट। बी ट्रांसफर्ड 500 शेयर्स ऑफ आर प्राइवेट लिमिटेड टू बी ऑन अक्टूबर 2023 फॉर 3 लाख व्हेन द मार्केट प्राइस वाज 5 लाख। शेयर्स की बात चल रही है सर। द इंडेक्स कॉस्ट ऑफ द शेयर्स फॉर मिस्टर बी वाज कंप्यूटेड एट 445। द ट्रांसफर वाज नॉट सब्जेक्ट टू एसटीटी। डिटरमाइन द टैक्सेबल इनकम इन द हैंड्स ऑफ बी एंड बी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज ऑफ द अबव सेड ट्रांजैक्शन। बी ने किसको ट्रांसफर किया है सर? बी कंपनी लिमिटेड को ट्रांसफर किया हुआ है। यस और नो? कितने के शेयर्स थे सर? 3 लाख रुपए के, जबकि फेयर मार्केट वैल्यू कितना था सर? 5 लाख रुपीज। बताइए क्या फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कंसिडरेशन 50,000 से ऊपर जा रहा है? आंसर इज यस। क्या ये टैक्सेबल होना चाहिए? आंसर इज यस। सो एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी रिसीव्ड फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, द डिफरेंस बिटवीन फेयर मार्केट वैल्यू एंड कंसिडरेशन एक्सीड 50,000, द सेड अमाउंट विल बी चार्जेबल टू टैक्स 2 लाख रुपीज। येस और नो? चेक करो। अच्छा डन है मालिक। आगे उसकी कॉस्ट के बारे में बताया जो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। ये सारी चीजें आप अकेले भी कर सकते हैं। यस तो सर यहां आपका IFOS का भी पार्ट क्या होता है सर? ओवर होता है। बाकी तो सिमिलर क्वेश्चन है जो हम लोगों ने देखे हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे भी कवर किए गए हैं, राइट। तो यहाँ पे आपका जो IFOS वाला पार्ट है ये भी क्या होता है सर? ओवर होता है। तो सभी लोग एक बार देखिए हमारा क्या क्या कंप्लीट हो चुका है इस फास्ट ट्रैक के अंदर में, राइट। सो बेसिक खत्म हो चुका है सर, इनकम टैक्स अथॉरिटी खत्म हो चुका है, रिटर्न ऑफ इनकम खत्म हो चुका है सर, एग्रीकल्चर इनकम कैपिटल गेन खत्म हो चुका है सर, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी क्या हो चुका है सर? कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा दो और छोटे चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, टैक्सेशन ऑफ बायबैक एंड टैक्सेशन ऑफ लिक्विडेशन भी हमारा क्या हो चुका है? ओवर हो चुका है। यस सर चेक कर लो एक बार। यस मालिक। तो अगर आप देखेंगे
अब हम एक और छोटा टॉपिक लेने जा रहे हैं, क्लबिंग। अब क्लबिंग को अगर देखोगे तो लॉजिकली इसको सर्च एंड सीजर के बाद भी पढ़ोगे तो भी बहुत अच्छा आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा। ये एक छोटा टॉपिक है, अभी भी आप कंप्लीट करोगे तो हो जाएगा। अगर आप देखोगे हेड्स के अंदर में मेनली तीन हेड है जो हमको पढ़ने हैं, कैपिटल गेन, एग्रीकल्चर इनकम कंप्लीट हो चुका है कैपिटल गेन के साथ साथ, IFOS हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब एक छोटा टॉपिक हमने लेना है, कौन सा बेटा? क्लबिंग। यस और नो? तो आज के इस पार्ट के अंदर में हम लोग क्लबिंग जैसा एक चैप्टर उठाते हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है। क्लबिंग के अंदर में कोई भी अमेंडमेंट नहीं आया हुआ है, तो ये जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्डिंग है ये भी इसके साथ मैं अटैच कर देता हूं ताकि आपका ये फटाक से क्या हो जाए, टॉपिक कंप्लीट हो जाए। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड एज क्लबिंग। आज मैं बढ़ता हूं क्लबिंग ऑफ इनकम की ओर। क्लबिंग ऑफ इनकम, ये टॉपिक जब आप इंटर में कभी हुए होंगे जीवन में, वो आपके बचपन में जब आप कौले कौले बच्चे थे, राइट? तो आपने तब पढ़ा होगा। कब पढ़ा होगा? हेड्स के बाद। होता कैसे है समझिए, ये टॉपिक का एक्चुअल लर्निंग ना सर्च के बाद होना चाहिए। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जब असेसमेंट ओपन होता है या सर्च होता है तभी आपको पता चल सकता है कि आपने किधर क्या डाइवर्जन किया है और एओ को किधर एडिशन करना है। मतलब इस टॉपिक का, क्लबिंग का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है, राइट? एक आम आदमी, क्लबिंग मतलब रात में कहीं जाना, नाइट लाइफ एंजॉय करना, सीएसीएससीएम में जिंदगी। क्लबिंग का मतलब क्या है? एक टॉपिक जिसको पढ़ना। बराबर है कि नहीं? अब मालिक होता क्या है क्लबिंग के अंदर में? क्लबिंग के अंदर में सेक्शन 60 से लेके 64 तक का कवरेज दिया है, जिसमें मेजर सेक्शन 60 और 64 ही है, राइट? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है? तीन चीजें क्लबिंग में इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 60, 64(1)A, 64(weight), क्रॉस ट्रांसफर। ये तीन चीजें आपको सबसे ज्यादा पूछी जाती है क्लबिंग के अंदर में। इसके अलावा जनरली कुछ पूछता नहीं, बहुत हो गया तो ये पूछा जाता है सैलरी कमीशन अर्न बाय स्पाउस, सैलरी एंड कमीशन अर्न बाय स्पाउस। डन बेटा, ये मेजर प्रोविजंस है। ये प्रोविजन का एप्लीकेबिलिटी कैसे होता है? देखिए, एओ जनरली असेसमेंट करता है, ये असेसमेंट 143(3) के तहत भी हो सकती है, 144 के तहत भी हो सकती है, 147 के तहत भी हो सकती है। मैंने 147 लिखा, सर्च एंड सीजर के बाद भी 147 ही होना है, ठीक है? एओ असेसमेंट करता है, तब जाकर के एओ को क्या मिलती है बेटा? इंफॉर्मेशन कि आपने इनकम को क्या किया है बेटा? डाइवर्ट किया है। इसको हम बोलते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। तो आपने आपके आने हाथ में टैक्सेबल होने वाली इनकम को आपने क्या किया? कहीं और डाइवर्ट किया है। तो एओ क्या करता है? यूजिंग द पावर अंडर सेक्शन 60 टू 64, वो इनकम को क्लब कर देता है इन द हैंड्स ऑफ असेसी। एक मिनट, असेसी? हाँ, असेसी का डेफिनेशन याद करो। असेसी के डेफिनेशन में एवरी पर्सन हु इज लाइबल टू पे टैक्स और इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर सम ही इज असेसेबल, तो वो असेसी को असेसी मान करके क्या कर देता है? आपके हाथ में क्लब कर देता है, राइट? दैट्स हाउ दिस चैप्टर वर्क्स। सो फाइव हेड्स प्लस क्लबिंग माइनस सेट ऑफ बिकेम्स ग्रॉस टोटल इनकम। क्लियर है मालिक? आते हैं क्लबिंग के एक एक सेक्शन पे। सबसे पहले बेसिक्स ऑफ क्लबिंग, चैप्टर बहुत छोटा है, आज ब्रेक से पहले ही हमें इसे कंप्लीट करना है। ध्यान से सुनिए, क्लबिंग सिर्फ क्या पॉजिटिव इनकम क्लब होती है? आंसर इज नो। पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव इनकम बोथ आर क्लब, ठीक है? रजिस्टर में जाइए, क्लबिंग में सबसे पहला पॉइंट बेसिक, क्लबिंग में सबसे पहला पॉइंट बेसिक्स। क्लबिंग में सबसे पहला पॉइंट बेसिक, उसके अंदर में लिखिए निगेटिव इनकम इज ऑल्सो क्लब्ड। निगेटिव इनकम इज ऑल्सो क्लब्ड। चलिए अब दूसरी चीज आपसे पूछने जा रहा हूं, दूसरी चीज आपसे पूछने जा रहा हूं, आप ही फटाफट जवाब दीजिए, और शायद आप इंटर लेवल का नॉलेज काफी होगा इस चीज को जवाब देने के लिए। मान लीजिए क्लबिंग जिस व्यक्ति ने कमाया वो अंडर द हेड ऑफ एचपी है, तो जिसके हाथ में क्लब हो रही उसके हाथ में ये IFOS बनेगा या उसके हाथ में भी सेम ही ऐड रहेगा एचपी? सपोज मेरे प्रॉपर्टी मैंने मेरे स्पाउस के नाम पे किया था इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में, उससे उसने रेंट कमाया, मतलब उसके हाथ में भी इनकम फ्रॉम एचपी। जब मेरे हाथ में क्लब होगा ये मेरे लिए एचपी बनेगा या IFOS बनेगा? IFOS। एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्लबिंग इज ऑलवेज डन इन द सेम हेड, क्योंकि उससे रिलेटेड डिडक्शन भी मेरे को ही मिलेगा। कितना प्रैक्टिकल पॉइंट था, समझ में आई बात?
तो क्लबिंग हमेशा कैसे हेड में होती है, सेम हेड जिस हेड में उसको अर्न किया गया है। सो क्लबिंग शैल बी मेड इन द सेम हेड इन विच सच पर्सन हैज अर्नड इट। दूसरा पॉइंट लिखो, क्लबिंग इज मेड इन द सेम हेड इन विच इट इज अर्नड। ठीक है, एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछू, मजा आ जाएगा। सर मान लीजिए जिसको पेमेंट मिला, सपोज मेरे स्पाउस को मिला रेंट पेमेंट, वो रेंट टीडीएस कट के मिला, इनकम मेरे हाथ में क्लब हो गई बिकॉज ऑफ क्लबिंग प्रोविजन, टीडीएस का क्रेडिट मेरे वाइफ को मिलेगा या मेरे को मिलेगा फाइनल में? आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, पूरा ट्रांजैक्शन सोचिए आराम से। सपोज ऑल प्रोविजंस फॉर क्लबिंग ऑफ इनकम इज डन, सो इनकम शुड बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ विजय। रेंट मिला मेरे स्पाउस को, रेंट किसको मिला, मेरे स्पाउस को, वो रेंट मिला आफ्टर टीडीएस। अगर वाइफ को रेंट मिला होगा आफ्टर टीडीएस, मतलब जो पैन नंबर गया होगा ये मेरे वाइफ का गया होगा, सब कुछ सोचो फिर जवाब दो। पैन नंबर जो गया होगा वो मेरे वाइफ का गया होगा, टीडीएस कट हुआ, एओ ने असेसमेंट करी मेरी भी मेरे वाइफ की भी, इनकम मेरे हाथ में क्लब कर दी, उसको सारा डिटेल पता चल गया, तो अब इनकम मेरे हाथ में क्लब हो गई, टीडीएस क्रेडिट का क्या, वो वाइफ के नाम पे रहेंगी या टीडीएस क्रेडिट भी मेरे को मिलेगा? वाइफ को मिलेगा क्योंकि पैन नंबर उसका है, पर इनकम तो मेरे हाथ में क्लब हो गई, जब इनकम है उसको टैक्स नहीं तो टीडीएस क्रेडिट उसका लेके करेंगी क्या, उसको रिफंड आ जाएगा टीडीएस का रिफंड, मतलब वो रिफंड क्लेम कर लेंगे विदाउट क्लेमिंग इनकम। बट मेरा फिर एक सवाल है, अगर आप ये कह रहे हैं तो मेरा एक सवाल है, इनकम जब मेरे हाथ में क्लब किया, टैक्स लाइबिलिटी जब मैं बेयर कर रहा, तो फिर टीडीएस क्रेडिट भी मेरे को दो, मेरा उतना लाइबिलिटी कम होता ना, मेरा सवाल गलत है एज असेसी? एज असेसी में गलत है तो बोलो, पॉइंट समझ रहे हैं आपको क्या? जाना अपने ऑफिस के जो निब्बा निब्बी है ना उनसे ये सवाल पूछना, तूने क्लबिंग पढ़ा ना टीडीएस भी पढ़ा ना, अब ये सवाल का जवाब दे। ये सवाल ना आपको वही दे सकता है जिसने खुद ने ये काम किया, ईमानदारी से बोल रहा हूं, ये सवाल ही आपको वही टीचर दे सकता जिसने खुद ने ये काम किया हो। इशू मैरिज क्लाइंट का है, क्लबिंग हुआ ठीक है, एओ ने क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट कर दी बिकॉज द हाउस वॉज ट्रांसफर फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो गई। अब क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हुई तो हुआ ये कि टीडीएस तो उसका कटा था क्योंकि रेंट पे हो रहा है तो टीडीएस कट जाता है, टीडीएस कट गया उसका, टीडीएस कट गया, इनकम मेरे क्लाइंट के हाथ में ऐड हो गई। आई मेड अ सिंपल पॉइंट, मैंने बोला सर आप इनकम जब उसके हाथ में नहीं है पर क्रेडिट उसको मिला, नाउ दिस इनकम इज इंक्लूडेड इन हैंड्स ऑफ असेसी, असेसी ये नहीं बोलेगा जब इनकम मेरे अंदर इंक्लूड कर रहे तो क्रेडिट भी मेरे को दो। लाइकवाइज जैसे इनकम उसके हेड में आई, स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% उसको थोड़ी नहीं मिलेगा, इनकम मेरे हाथ में क्लब हुई तो डिडक्शन भी मेरे को मिलेगा 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन। भाई मेरे हाथ में इनकम कंप्यूट हो रही है तो मैं तो आफ्टर ऑल डिडक्शन लूंगा ना, या तो अगर इनकम कंसिडर करूंगा तो मैं नेट कंसिडर करूंगा, हेलो ग्रॉस दे रहे हो तो मैं डिडक्शन क्लेम करूंगा, नेट दे रहे हो तो मैं इनकम नेट कंसिडर करूंगा, तो फिर टीडीएस का क्रेडिट भी मेरे को अकॉर्डिंगली चाहिए ना। अब टीडीएस में मैं नेट तो कर नहीं सकता, इनकम ऐड कर दो नेट ऑफ टीडीएस, ऐसा तो होता नहीं, इनकम आर टैक्स डेट ग्रॉस बेसिस, आप इनकम क्रॉस बेसिस पे कंसिडर करोगे ना ब्रो? यस दिस इज डन, आपका टीडीएस के नोट्स ओपन कीजिए, उसमें पॉइंट लिखा है बेसिक में, आप आपके टीडीएस के नोट्स ओपन करोगे ना उसके बेसिक में ये पॉइंट मैंने लिख करके दिया है कि अगर किसी की इनकम क्लब होती है ना तो उसका टीडीएस क्रेडिट भी उसको मिलता है जिसके हाथ में क्लब हुई है, टीडीएस क्रेडिट भी उसको मिलता है। फिर यहां पे क्या करता है, एओ जब असेसमेंट करता रहता उतना टीडीएस क्रेडिट इधर से हटा देता और इधर उतना क्रेडिट अलाउ करके ही आपका असेसमेंट ऑर्डर निकालता है, ये क्लबिंग की एक और एडजस्टमेंट है जो होती है, समझ में आई बात? लिखो थर्ड पॉइंट रजिस्टर में, लिखो थर्ड पॉइंट रजिस्टर में, प्लीज राइट डाउन, वेयर क्लबिंग इज मेड द टीडीएस क्रेडिट इफ एनी,
द टीडीएस क्रेडिट इफ एनी विल बी गिवन टू पर्सन, विल बी गिवन टू पर्सन इन हुज हैंड, इन हुज हैंड बोलो बेटा, इनकम इज क्लब्ड। डन है बेटा, ओके, यस। द इनकम शैल बी फर्स्ट कंप्यूटेड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट एंड ऑल एक्सपेंडिचर रिलेटेड टू सच इनकम शैल बी अलाउड एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट एंड देयर आफ्टर द नेट इनकम शैल बी क्लब्ड। जनरली नेट इनकम क्या की जाती है, क्लब की जाती है डिडक्शन देने के बाद। अगर फिर ग्रॉस बेसिस पे ले रहे हो तो फिर डिडक्शन भी अकॉर्डिंगली मैं क्लेम करूंगा। डन बेटा, सबसे पहला सेक्शन आता है सेक्शन 60, इंपॉर्टेंट है कि यस इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं। सेक्शन 60 क्या बोलता है, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। मान लीजिए मेरे को आने वाली कोई इनकम मैंने किसी और को ट्रांसफर किया विदाउट ट्रांसफरिंग द एसेट, देन इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैंने कोई एफडी रखी, एफडी के ऊपर इंटरेस्ट अक्रू हुआ, आई रिकमेंडेड माई बैंक टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट पोर्शन टू माई वाइफ अकाउंट, माई वाइफ अकाउंट, क्लबिंग किसके हाथ में होगी, हस्बैंड। तो ठीक उसी तरीके से अगर मैंने लोन दिया, लोन के ऊपर कोई इंटरेस्ट आने वाला है, मैंने मेरे वाइफ के अकाउंट में क्या किया, इंटरेस्ट मंगवाया। इमेजिन लोन गया मेरे अकाउंट से, इंटरेस्ट आ रहा वाइफ के अकाउंट में, ऐसे केस में वाइफ को जितनी इनकम आ रही है वो किसके हाथ में क्लब कर दी जाएगी, हस्बैंड। एम आई ट्रांसफरिंग द एफडी टू माई वाइफ, नो, बट आई एम ट्रांसफरिंग द इनकम आउट ऑफ द एफडी टू माई वाइफ, यस। क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्टेड सेक्शन 60, दिस इज द मोस्ट सिंपलेस्ट सेक्शन फॉर एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन इन द क्लबिंग प्रोविजन। चेक कीजिए, इफ एनी पर्सन ट्रांसफर एनी इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट देन सच इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, यस और नो। सेक्शन 60 में जाइए, रजिस्टर में जाइए, लिखिए सेक्शन 60, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट। ट्रांसफर ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ असेट, उसके अंदर में लिखिए एनी पर्सन हु ट्रांसफर द प्रॉपर्टी Any person who transfer the property without transfer of asset, without transfer of asset, will be clubbed in the hands of transferor. Will be clubbed in the hands of transferor. Done जी, चलो next section पे direct आता हूं, जो important वाला है minors income. We all know minor means a person who has not completed the age of 18 years. Say yes. Yes, so माइनर को अगर कोई इनकम आती है, तीन माइनर की इनकम क्लब नहीं होती। क्लब नहीं होती का मतलब ये नहीं है कि वो एग्जम्प्ट है, क्लब नहीं होती का मतलब ये है दैट इज असेसेबल इन द हैंड्स ऑफ माइनर। सर माइनर के हाथ में कैसे असेस हो सकता है, क्या माइनर का पैन कार्ड बनता है? ऑब्वियसली यस, माइनर का पैन कार्ड बनता है, सो माइनर के हाथ में वो असेस की जाएगी। बाकी हर इनकम जितनी भी माइनर की है वो क्लब हो जाएगी। तीन इनकम कौन सी है जो क्लब नहीं होती? पहला, इनकम जनरेटेड आउट ऑफ स्किल एंड टैलेंट, स्किल एंड टैलेंट से जो इनकम जनरेट की है वो, स्टॉप। बिजनेस करना कोई स्किल टैलेंट नहीं है, सट्टा खेलना कोई स्किल टैलेंट नहीं है, ये दो जनरल क्वेश्चन है जो बच्चा पूछता है, ये दोनों का जवाब ये है, समझ में आया? स्किल एंड टैलेंट हैज टू बी रीडेड इन इट्स ऑर्डिनरी मीनिंग, स्किल एंड टैलेंट। जैसे सॉन्ग गाना, आप में से सब जा गा सकते क्या? अपन सब नहीं,
अपन सब बाथरूम सिंगर हो सकते हैं, कुछ ऐसे होंगे जो रियली सिंगर है, हम उसको स्किल एंड टैलेंट बोलते हैं। दूसरा, अर्न आउट ऑफ मैनुअल वर्क डन, खुद काम करके अगर उसने कमाई है तो। बच्चा मुझसे यहां पे क्वेश्चन पूछता है, सर इज स्टाइपन माई इनकम? चलिए आपसे ही पूछता हूं, देखिए तो सही आपका नॉलेज, इस टाइप एन इनकम। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको टैक्स पे करना है, पॉइंट वन, आपको जितना आता है ना उसमें बेसिक एग्जम्पशन लिमिट में कवर हो जाता। बोलो इस टाइप एन इनकम? हाँ या हाँ? पक्का पागल हो तुम? स्टाइपन इज नॉट एन इनकम, स्टाइपन इज रिसीव्ड फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेनिंग, इन कंसिडरेशन फॉर योर ट्रेनिंग, एंड ट्रेनिंग के दौरान जो आपको स्टाइपेंड मिलती है दैट इज जस्ट फॉर योर एक्सपेंसेस टुवर्ड्स दैट ट्रेनिंग, इट इज नेवर कंसिडर्ड एज इनकम। और बोले साल भर में आर्टिकल चिपकी है, बोले हमने क्लाइंट के क्या बोले टैक्स ऑडिट भरे, मस्त एक नंबर, वाह बराबर है। स्टाइपन इज नॉट योर इनकम बेटा, स्टाइपन इनकम में कंसिडर ही नहीं होती बिकॉज ये आपके ट्रेनिंग के अगेंस्ट में मिलती है। यस इट इज जस्ट, अगर ये इनकम ही बनानी होती तो तुम्हारी स्टाइपन को बढ़ा दिया जाता, समझ में आई बात? ये सिर्फ तुम्हारे ट्रेनिंग से रिलेटेड खर्चों को मीट करने के लिए दिया जाता है। यस वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे को थोड़ा सा मतलब एकदम जेलस सा फील हुआ, मेरे को बहुत डिप्राइव्ड फील हुआ। एक सिस्टर है, अदिति नाम है, शी इज डॉक्टर, ऐसी बात कर रहे थे, बोले मैंने पूछा क्या हुआ, बोले बस मामा अभी ये खत्म हुआ है, बोले मेरा और ट्रेनिंग चालू है। मैं बोला अच्छा ट्रेनिंग चालू है, दे से ट्रेनिंग, अपन उसको क्या बोलते हैं आर्टिकल शिप, दे से ट्रेनिंग। मैंने बोला अच्छा कितने रुपए मिले? अब मेरे को ऐसा था कि हमको इतने मिलते तो गांव में भी इतने ही मिलते होंगे, आई वॉज नॉट अवेयर कि डॉक्टर को कितने मिलते हैं। शी सेड 66,000 रुपीज। मैंने बोला एक मिनट, अबे महीने का, साल का नहीं महीने का। मैंने बोला वापस बोल कितना? 66,000 रुपीज। मैंने बोला और बोले रहने के लिए जगह, रहने के लिए प्रेमाइसिस का अकोमोडेशन मिलता है, बोले और मेरे को एटलीस्ट 2 व्हीलर प्रोवाइडेड है बॉस की तरफ से कि मैं आना जाना स्पीड में कर सकूं, और मोबाइल का मिलता है, और लंच फैसिलिटी एक टाइम का वहीं होता है। मैंने बोला ये 66 में इंक्लूडेड है? नहीं, बोले ये उसके अलावा है। समझ में आ रहा है आपको क्या फीलिंग आया होगा मेरे को? आपको समझ रहा है मेरे को क्या फीलिंग आया होगा जीवन में? मेरे को इतना घटिया फीलिंग आया है जीवन में उस दिन, समझ आ रहा है? इतना घटिया फीलिंग आया होगा मेरे को, मैंने बोला भाई साहब ये क्या मजाक लगा के रखा है, 66,000 अभी उनको मिलता है इतना साइंस वालों को? मैंने बोला हमने क्या किया है, हमको क्या मिल रहा है, 4,000 रुपए? अच्छा चलो यहाँ पे हाथ एक बार उठाना जरा, ऑल यू सीनियर आर्टिकल, कितनों को 10,000 के ऊपर मिल रहा है? एक एक समझ रहे हो, 10% भी नहीं आ रहे है। एक एक ही व्यक्ति जिसको 10,000 के ऊपर मिल रहा है, ऑल हियर सिटिंग, भाई तेरा फॉर्म बता बिग फोर फॉर्म नहीं, बिग फोर अलग कैटेगरी है। फायदा, बात फायदे या नुकसान की है नहीं, देखो बात फायदे या नुकसान की है नहीं, क्योंकि जो तुमको मिल रहा है तुम उससे कई ज्यादा डिजर्व करते हो, इस बात पे मेरा 1% भी डाउट नहीं है। मतलब मैं तो खुद इंस्टीट्यूट को रिक्वेस्ट करता हूँ, इनफैक्ट मैं तो मेरे कॉलीग्स को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार तुम दो ना यार आर्टिकल्स को, सारा सारा का मतलब सोचो, वो आर्टिकल को बिल बनाने में कितना दर्द होता होगा आपका, वो देख रहा है सारा काम उसने किया है, तुमने सिर्फ उधर साइन मारा है, बराबर है? तो उसको कितना मिल रहा है और तुमको कितना मिल रहा, और क्लाइंट को मतलब एओ को खुद सर को पता नहीं होगा उस फाइल में क्या है, दर्द होता है यार, दे दिया करो। अच्छा मेरे को एक बात बताओ सर, यहां पे देखो एक गायत्री वो बोल रही है सर मेरी फ्रेंड को भी 70,000 रुपए है, राइट? अच्छा अब मेरे को एक बात बताओ, सिंपल सी बात बताना, जो स्टाइपन पे हो रहा है बॉस जब अपना पीएनएल बनाता है क्या वो उसको एक्सपेंसेस में क्लेम करता? बॉस को बोलो ना भाई तू टैक्स पे मत कर, हमारे एक्सपेंसेस बढ़ा दे, हम भी कुछ ट्रांसफर का सोचेंगे तक नहीं, वैसे तो उनको एक्स्ट्रा टाइम रुका था वैसे रुक जाएंगे, खुश होके रुकेंगे एटलीस्ट। अरे सर शेमलेस फील होता है, ऑफिस बॉय का पगार ज्यादा है अपने से, इज्जत भी
चलो पगार रहे तो समझ में भी, इज्जत भी, क्या बोलने का यार। तो जी आउट ऑफ मैनुअल वर्क डन, यहां मैनुअल वर्क का मतलब आर्टिकलशिप नहीं है, समझ में आ रही बात। हाँ आप चाय बेच रहे हैं और कुछ बेच रहे हैं, मैनुअल वर्क डन करके, क्योंकि आपको पता है 14 साल की उम्र के बाद कमाया जा सकता है। तो पहला आउट ऑफ स्किल एंड टैलेंट, दूसरा मैनुअल वर्क डन, तीसरा इफ दे आर हैंडीकैप, स्पेशली एबल्ड इज द राइट वर्ड। सो अगर माइनर स्पेशली एबल्ड है, इनकम उसी के हाथ में क्या किया जाएगा, टैक्स किया जाएगा। तो तीन सिचुएशन में माइनर के हाथ में टैक्स नहीं होता, कौन सी तीन सिचुएशन, स्किल एंड टैलेंट, दूसरा मैनुअल वर्क डन, तीसरा हैंडीकैप माइनर। ये तीन को छोड़ करके बाकी हर इनकम क्या किया जाएगा, क्लब किया जाएगा। किसके हाथ में क्लब किया जाता है, डिपेंड करता है, पेरेंट मैरिज सबसिस्ट, पेरेंट मैरिज डू नॉट सबसिस्ट। पेरेंट मैरिज अगर सबसिस्ट करता है तो उस पेरेंट के हाथ में जिसकी इनकम ग्रेटर है बिफोर दिस क्लबिंग। अगर पेरेंट मैरिज सबसिस्ट नहीं करता तो उसके हाथ में हु मेंटेन द चाइल्ड। यहाँ पे दो तीन सवाल मेरे से बच्चे प्रैक्टिकल पूछते हैं, उसका जवाब दे देता हूं। सर पॉइंट नंबर वन, माँ बाप का डाइवोर्स नहीं हुआ पर साथ में भी नहीं रहते, इनकम टैक्स लॉ इसे पेरेंट मैरिज सबसिस्ट ही मानता है। इनकम टैक्स में जब डाइवोर्स होगा तभी हम उसको पेरेंट मैरिज डू नॉट सबसिस्ट कंसीडर करते, समझ में आ रही बात। दूसरी बात, सर पेरेंट्स ही नहीं है, लीगल गार्डियन कोई भी नहीं है उसके खुद के हाथ में, इनकम किसी भी एंड पे एग्जम्प्ट नहीं होने वाला, समझ में आ रही बात। तीसरी बात सर पेरेंट्स को कुछ दिन के लिए माँ की कस्टडी में रखा गया है, मतलब बच्चे को कुछ दिन के लिए माँ की कस्टडी में रखा गया है, कुछ दिन बाप की कस्टडी में रखा गया है, अब क्या तो अकॉर्डिंगली इनकम को एओ क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा। यस अच्छा जी, जब भी माइनर इनकम क्लब होता है देर इज एन एग्जम्पशन ऑफ 1,500 रुपीज पर चाइल्ड, 1,500 रुपीज पर चाइल्ड। याद रखे चाइल्ड इंक्लूड स्टेप चाइल्ड, तो चाइल्ड ऑल्सो इंक्लूड स्टेप चाइल्ड, ये याद रखिएगा। यस माइनर इंक्लूड्स माइनर मैरिड डॉटर, माइनर इंक्लूड्स माइनर मैरिड डॉटर, तो माइनर मैरिड डॉटर की भी क्लबिंग किसके हाथ में होगी, उसके डैड, ससुर जी के हाथ में नहीं, उसके पति के हाथ में नहीं। सर बट माइनर मैरिज तो अलाउड नहीं है, इनकम टैक्स हैज नथिंग टू डू विद लीगल एंड इनलीगल, लीगल टीए कुरैशी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। क्योंकि ये सवाल मेरे से इस पॉइंट पे बहुत आता है, अचानक बच्चों को क्वेरी आती है। अब 10 साल से मैं पागल हो गया ये सब सुन सुन के, इसलिए आपके सवालों से पहले आपके जवाब दे रहा हूं मैं। नो क्लबिंग आफ्टर अटेनिंग मेजोरिटी, अगर कई बच्चे पूछते हैं, राइट, कई बच्चे मेरे को पूछते सर अचानक वो माइनर हो गया, देर इज नो अचानक, साल के बीच में माइनर हुआ इज द राइट क्वेश्चन। सर साल भर के बीच में वो माइनर से मेजर हुआ होगा तो जहां तक वो माइनर था वहां तक की इनकम क्लब मेजर होते ही नो क्लबिंग, क्लियर है मालिक। चलिए रजिस्टर में जाइए, रजिस्टर में जाइए, पहले ये चार्ट एज इट इज, चार्ट एज इट इज बना लो। एक इंटर के निब्बा ने इस पे मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, एक इंटर के निब्बा ने मेरे से क्वेश्चन भी पूछा था, सर एक हस्बैंड की दो वाइफ है एंड वाइफ इज अर्निंग मोर, तो किसके हाथ में क्लबिंग होगी। आई जस्ट मेड अ रिवर्स क्वेश्चन, विच वाइफ। यस बट असेंशियली समझिए, हम ऐसे केस में एओ डिसाइड करेगा क्लबिंग किसके हाथ में होनी चाहिए, राइट। फिर उसने मेरे से आगे बढ़ के ये भी क्वेश्चन पूछा, नहीं सर वो बच्चा पहली से है लेकिन वाइफ दूसरी इनकम ज्यादा अर्न कर रही। मैंने बोला यार तुमको ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं यार, आई मीन कम ऑन, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं यार ऐसे किसी को, इतने वियर्ड केस ही नहीं बनते जितने वियर्ड ये सवाल पूछ लेते हैं। मैंने बोला बेटा एओ शैल कंसिडर है ना, और हम माइनर की इनकम की बात कर रहे हैं, कितनी तो होगी। हाँ एक क्वेश्चन मेरे को लगा था थोड़ा जेन्युइन है, वो ये है, सर माइनर ने 1 लाख रुपए कमाया तो भी एग्जम्पशन 1,500 का ही। आंसर इज यस, एग्जम्पशन इज 1,500। एक और जेन्युइन क्वेश्चन मेरे को लगा था, माइनर के दो सोर्स ऑफ इनकम है तो एग्जम्पशन 1,500 फॉर ईच सोर्स और इन टोटल 1,500, इन टोटल 1,500। एक बात बोलूं आपको, आपने आर्टिकलशिप में एक भी केस देखा माइनर इनकम का, नहीं रहता ही नहीं। ये वो चीजें हैं जो असेसमेंट में ओपन होती है।
इज दैट डन प्रभु? चलो इसके नीचे लिखिए सेक्शन 1032, चार्ट के नीचे लिखना सेक्शन 1032, इफ माइनर इनकम इज क्लब एग्जम्पशन 1500 पर चाइल्ड, इफ माइनर इनकम इज क्लब एग्जम्पशन 1500 पर चाइल्ड। बराबर मालिक? चलिए नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 61, एग्जाम में बिल्कुल नहीं पूछे जाने वाला सेक्शन। सेक्शन 61, रिवोकेबल ट्रांसफर ऑफ असेट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय दैट रिवोकेबल ट्रांसफर? रिवोकेबल का मतलब जो कभी भी वापस लिया जा सकता है, राइट? कई लोग क्या करते थे, पहले ट्रस्ट बनाते थे, अपनी प्रॉपर्टी कुछ सालों के लिए ट्रस्ट में ट्रांसफर करते थे, और इस तरीके का क्लॉज होता था अग्रीमेंट में कि ये वापस से मेरे पास आ सकती है। यस तो अगर आपने ऐसा कोई भी अग्रीमेंट बनाया जिसके तहत आप पार्शली टोटली कभी भी उस प्रॉपर्टी पे वापस राइट रख सकते हैं, तो जितनी इनकम जनरेट हुई आउट ऑफ दैट प्रॉपर्टी बिटवीन दैट पीरियड इज ऑल्सो क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, इज ऑल्सो क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। सो इनकम अराइजिंग टू एनी पर्सन बाय वर्चू ऑफ रिवोकेबल ट्रांसफर शैल बी इंक्लूडेड इन टोटल इनकम ऑफ ट्रांसफरर। यस हालांकि ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है अगर ये रिवोकेशन आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ असेसी होने वाला है। मतलब मान लीजिए किसी एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट को ट्रांसफर करी, यस ट्रांसफर करते वक्त रिवोकेशन क्लॉज उसने डाला कि मेरे मरने के बाद ये मेरे घर वालों पे आएगी, तब ये प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। अगर असेसी के लाइफ टाइम में ये वापस आने वाली होगी तो ही ये रिवोकेशन एप्लीकेबल है। तो सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल वेयर रिवोकेशन इज आफ्टर द लाइफ टाइम ऑफ बेनिफिशियरी और ट्रांसफरी। यस चलिए नेक्स्ट, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन ऑन द सेम पेज 6414। ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, इसको इतना मस्त तरीके से समझाता हूं, ध्यान से सुनना और लिखना भी। सेक्शन 6414, ट्रांसफर टू स्पाउस फॉर नो कंसिडरेशन और इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, फॉर नो कंसिडरेशन इन एडिक्वेट कंसिडरेशन, ये है आपके विज्जू, ये उनकी धर्म वाली पत्नी, ठीक है? ये उनकी धर्म वाली पत्नी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने कोई एसेट्स गिफ्ट कर दिया। गिफ्ट कर दिया मतलब देर इज नो कंसिडरेशन। अरे एवरीबॉडी, गिफ्ट कर दिया मतलब देर इज नो कंसिडरेशन। क्या आप मुझे प्लीज बताएंगे विजय के हाथ में टैक्स ट्रीटमेंट क्या है? विजय असेट ट्रांसफर कर रहा है, विल देर बी एनी कैपिटल गेन इन द हैंड्स ऑफ विजय? यस और नो? नो। वाई? रिलेटिव, वो तो सामने वाले के हाथ में गिफ्ट टैक्सेबल नहीं है ना, विजय तो ट्रांसफर कर रहा है ना कैपिटल असेट, गिफ्ट रिसीवर के हाथ में टैक्सेबल नहीं है बिकॉज ही इज रिलेटिव। तो आपने बोला तो मैं यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, इसको तो विदाउट कंसिडरेशन मिला है, यहां पे सेक्शन 56210 आना चाहिए गिफ्ट का प्रोविजन, ये टैक्सेबल टैक्सेबल नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज किससे मिला है? रिलेटिव। आई बोरो योर पॉइंट, मैं पूछ रहा हूं विजय के हाथ में टैक्स स्टेटमेंट क्या है? ऑनलाइन वाले जल्दी से बताइए, ऑनलाइन वो बोल रहे तो विजय ऑनलाइन वाले तो बोल रहे टैक्स है, जितने लोग ऑनलाइन देख रहे हैं जल्दी से जवाब दीजिए। यस एनीवन, जल्दी बोलो, विल ही बी लाइबल टू कैपिटल गेन? यस और नो? आंसर इज देर इज नो कैपिटल गेन्स। सो वाई? सेक्शन 47, ट्रांजेक्शन इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर। अगर आप किसी को गिफ्ट विल या इरिवोकेबल ट्रस्ट में ट्रांसफर करते हैं, इट इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, नॉट लाइबल टू कैपिटल गेन। पल्लू के हाथ में, सिंस शी इज रिलेटिव, उसके हाथ में टैक्सेबल नहीं है। नाउ सपोज ये जो असेट ट्रांसफर किया ये था प्रॉपर्टी, नाउ दिस प्रॉपर्टी इज रेंटेड, अब ये रेंटल इनकम आई, दिस इनकम इज क्लब्ड अंडर सेक्शन 6414
और सेक्शन 27 इन द हैंड्स ऑफ विच्चू। अगर ये रेंटेड हाउस है सेक्शन 27, अगर ये अदर एसेट्स है फॉर एग्जांपल एफडी, फॉर एग्जांपल एफडी, एफडी के ऊपर क्या आया इंटरेस्ट, अदर है तो 6414 क्लबिंग होगा, सिर्फ सेक्शन बदल रहा है। हाउस प्रॉपर्टी है तो 27, हाउस प्रॉपर्टी नहीं है तो 64, क्लबिंग दोनों ही केस में विजय के हाथ में होगा, क्योंकि सेक्शन 27 के हिसाब से असेसी क्या माना जाता है, डीम्ड ओनर। असेसी क्या माना जाता है, डीम्ड ओनर। क्लबिंग दोनों केस में हो रहा है, सिर्फ सेक्शन बदला रहा है। ये सुनो, बना लो फटाफट, तीनों चीज समझ में आई? ये सुनो, डन, आ जाओ इधर। आई थिंक अब आपको ये चार्ट समझेगा। ट्रांसफर टू स्पाउस एचपी से है तो टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर अंडर सेक्शन 27 एज डीम्ड ओनर, अदर इनकम है अंडर सेक्शन 64। क्लियर है? द सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल इफ द रिलेशन ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ डू नॉट सब्सिस्ट, यस, या फिर ट्रांसफर कैसे कंसिडरेशन में है, एडिक्वेट कंसिडरेशन में। कैसे कंसिडरेशन में बोलो, एडिक्वेट कंसिडरेशन। ये सुनो, यस, कुछ सवाल सर। चेंज इन शेप, अगर वाइफ के हाथ में दिया और वाइफ ने शेप चेंज कर दिया तो आप समझे नहीं, रुको आप गलत चल जाएंगे। हस्बैंड ने वाइफ को कैश गिफ्ट किया, वाइफ ने एफडी बना ली, इस पे इंटरेस्ट आया, देर इज अ चेंज इन शेप। समझ में आया? हस्बैंड ने वाइफ को डायमंड रिंग दी, वाइफ ने बेची, एफडी बना ली, इस पे इंटरेस्ट आया, देयर इज अ चेंज इन शेप, और उस पे इनकम आई। क्या चेंज इन शेप होने के बावजूद भी इनकम क्लब होगी? यस। वेयर द असेट ट्रांसफर हैज चेंज इन शेप देन इनकम फ्रॉम सच चेंज्ड असेट इज आल्सो टू बी क्लब्ड। बराबर है? चलिए एक और सवाल। सपोज मैंने असेट वाइफ को दिया, वाइफ ने बेच दिया, इस पे कैपिटल गेन आएगा, क्या कैपिटल गेन भी क्लब होगा? सवाल समझिए, मैंने वाइफ को गिफ्ट दिया, विजय के हाथ में नो कैपिटल गेन, वाइफ के हाथ में आईएफओएस एग्जम्प्ट, वाइफ ने ये प्रॉपर्टी बेच दी, अब कैपिटल गेन आया, गिफ्ट वाज एग्जम्प्ट, कैपिटल गेन वाज नॉट एग्जम्प्ट। अब वाइफ ने ये प्रॉपर्टी बेच दी, कैपिटल गेन आया, ये कैपिटल गेन पल्लू के हाथ में टैक्सेबल, विजय के हाथ में टैक्सेबल? पल्लू विजय, पल्लू विजय, एंड आंसर इज विजय। ये क्लबिंग प्रोविजन कैपिटल गेन भी क्लब करता है। वेयर द एसेट इज ट्रांसफर्ड इज सोल्ड द कैपिटल गेन अराइजिंग टू ट्रांसफर इज टू बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। तो किसी भी तरह की इनकम आ रही है, चाहे वो इनकम सेल करके क्यों ना आ रही हो तो भी क्लब होगा। यस और नो? नेक्स्ट एक्विजिशन ऑफ असेट आउट ऑफ पिन मनी। आपको समझता है पिन मनी क्या होता है? घर खर्ची जो हस्बैंड वाइफ को देती है, वाइफ हस्बैंड को देती है, एज द केस में भी, उसको बोला जाता है पिन मनी। नाम भी बहुत सोच समझ के रखा गया है, पिन मनी, जो निकाल लिए जाते हैं पिन चुबा चुबा के। बराबर है? सो एक्विजिशन आउट ऑफ पिन मनी, पिन मनी वो होता है जो हस्बैंड वाइफ को या वाइफ हस्बैंड को खर्चा करने के लिए देती है। आपने अपने घर पे भी देखा होगा, हमारी जो मम्मी होती है उनको डैड घर खर्चे के लिए कुछ पैसे देते हैं, आउट ऑफ आई डोंट नो हाउ मम्मी उसमें से भी कुछ सेव कर लेती है और बाद में निकलते हैं, या हमारे को दिए जाते हैं छुपा छुपा के। अब पिन मनी से अगर मम्मी कोई एसेट परचेज कर रही है, क्या वो भी क्लबिंग होगा? क्योंकि पैसे तो उनको मिले विदाउट कंसिडरेशन। एक्विजिशन आउट ऑफ पिन मनी इज नॉट टैक्सेबल, इसको स्त्री धन कहा जाता है। क्या कहा जाता है बोलो? स्त्री धन। दिस इज नॉट टैक्सेबल, यस और नो? यस। चलो जी, टिंग नॉन्ग, बड़े मालिक आगे।
ट्रांसफर टू स्पाउस। अब मैं इसके सेक्शन के पीछे की हिस्ट्री समझा देता हूँ, क्योंकि आगे ये दो सेक्शन इसलिए कनेक्टेड है। आपने कभी देखा, अगर आपके घर पे बिजनेस है, राइट, ये बिजनेस आपके मॉम के नाम पे है या फिर दादाजी के मॉम के नाम पे है, इन शॉर्ट वो किसी लेडी के नाम पे है, ऐसा क्यों? जबकि वो तो बिजनेस में आते नहीं एक्सेप्ट दिवाली पूजा। बात अग्री करोगे नहीं करोगे? ऐसा क्यों है आपको पता है? लॉजिक है, लॉजिक सुनना चाहोगे? सर, एक समय ऐसा था जब इनकम टैक्स में मेल और फीमेल में डिस्क्रिमिनेशन था। फीमेल का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट हायर था एज कंपेयर टू मेल, बराबर, इन ऑर्डर टू वुमेन एम्पावरमेंट आप बोल सकते हो, या वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप बोल सकते हो। यस, इसके लिए क्या किया जाता था, हस्बैंड्स जो नया बिजनेस चालू करते थे ये वाइफ के नाम से चालू कर देते थे। इससे दो बातें होती थी, पहला टैक्स बच जाता था, दूसरा आज भी जितने भी लॉ है ये विमेन फेवर में ज्यादा है एज कंपेयर टू मेन्स फेवर, बराबर है। तो इससे फायदा क्या होता था, एक बेनिफिट्स मिल जाते थे, सब्सिडीज बड़ी आसानी से मिल जाती थी। आज भी आप देखोगे वुमेन के नाम से अगर बिजनेस कर रहे हैं सब्सिडीज ज्यादा है, यस। और दूसरा क्या होता था, घर में सुख शांति बनी रहती थी। जैसे वो बोलती थी, ओ जी तुम्हारे तो पास तो टाइम ही नहीं है, आप क्या बोलते थे, जो कर रहा हूं पगली सब तेरा है, मेरा है क्या? और आपने कई बार आप देखना, मम्मी के घर वाले आए ना तो पप्पा हम खास से डायलॉग मारते, अपन तो नौकर आदमी है साहब, अपने पास है क्या, जो है सब इनका है, अपन तो नौकर आदमी मजदूरी कर रहे हैं। आप समझ रहे हो, मम्मी को भी ऐसा लगता था, हूं समझ में आ रही है, मम्मी को भी अच्छा फील होता था, घर में सुख शांति बनी रहती थी। यस, इसी बहाने पापा को घूमने मिलता था थोड़ा सा, जो कर रहा हूं सब तेरे लिए तो कर रहा हूं, डैड दोस्त के साथ मस्त शाम में बैठ के आ रहे, आई मीन समय बिता के आ रहे, जो है सब तेरा ही है पागल, जो है सब तेरा ही है, मेरा थोड़े ना कुछ। अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड होता क्या था, इससे दो फायदे होते थे। अब लोगों ने जैसी स्पाउस को ट्रांसफर करना चालू किया, बराबर है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ गया ये लोग हमें बेवकूफ बना रहे हैं। लोग जानबूझ करके क्या करते थे, वाइफ को ट्रांसफर करते थे और वाइफ के हाथ में इनकम जनरेट करवाते थे, ताकि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी बढ़ जाए, और कई केस में स्पाउस सिर्फ हाउसवाइफ होती थी तो उनका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी यूज हो जाता था। कई सालों बाद जब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ गया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने क्लबिंग प्रोविजन बना दिया कि भैया आपने अगर स्पाउस को इनएडिक्वेट कंसिडरेशन में ट्रांसफर किया तो हम क्या कर देंगे, क्लबिंग कर देंगे। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद सर हुआ ये कि लोग भागते भागते उन साधुओं के पास गए, उन महात्माओं के पास गए जिन्होंने चार चार पांच पांच साल गुफाओं में बिताए हैं। समझ रहे हैं ना किसकी बात कर रहा हूं, ऐसे लोग जिन्होंने संडे नहीं देखा, मंडे नहीं देखा, दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, संडे गवाया, होली गवाई, दिवाली गवाई, समझ रहे हो ना। ऐसे लोग सस्ते में भी मजबूरी मजदूरी करने के लिए रेडी है वो लोग। सर बहुत बेइज्जती हो रही है, सुन लो, हर एक बेइज्जती का बदला करोड़ों से होगा, ध्यान से सुनना, राइट। इनके पास गए, कहा प्रभु पथ प्रदर्शित करो, इन लोगों ने तो रोड बंद कर दिया, चाय पिलाओगे? अरे सर सब पिलाएंगे, आप बोलो तो सही। देखो एक काम करो, वाइफ के लिए लॉ रिस्ट्रिक्ट किया है ना, घर में बहू है, बहू बहू बहू, पुत्र वधू, हाँ है, तो लेडी तो वो भी है, वाइफ को ट्रांसफर कर रहे हो तो क्लबिंग है, सन्स वाइफ को ट्रांसफर करो, चीज घर के घर में, बेटे का परिवार भी सुखी, उसको भी लगता बहू के नाम से कुछ किया है, क्लबिंग प्रोविजन नॉट अट्रैक्टेड। लोगों ने पुत्र वधू को ट्रांसफर करना चालू किया, बहू, किसको ट्रांसफर करना चालू किया, बहू। नेक्स्ट सेक्शन पढ़ो, कई सालों बाद डिपार्टमेंट को यह भी समझ में आ गया कि ये लोग तो हमें बेवकूफ बना रहे हैं। प्रोविजन देखो, इफ असेट आर ट्रांसफर्ड, अच्छा देखो पूरे लॉ में ना कहीं पे भी सन्स को नहीं लिखा है, यही ट्रांसफर आज आज लूपहोल क्या है, आप सन के नाम पे ट्रांसफर करो, देर इज नो क्लबिंग। पर उन्हें पता है कि भैया सन के नाम पे कोई करता नहीं था, क्योंकि ये लॉ तब के बनाए हुए हैं जब वुमेन्स का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या हुआ करता था, हायर। समझ में आ रही बात, सो एनी ट्रांसफर टू सन्स वाइफ फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, इज क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। वाइफ को रोक दिया, सन्स वाइफ को रोक दिया, ये लोग भगते भगते फिर गए उन साधु महात्माओं के पास, प्रभु पथ प्रदर्शित करो, दोनों रूट बंद कर दिए। इन्हें बोला अच्छा ठीक है, सुनो एक काम करो, तुम
एक थर्ड एंटिटी क्रिएट करो, थर्ड एंटिटी को ट्रांसफर कर दो फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ। मतलब वहां से जो इनकम आएगी वो किसको बेनिफिट प्रोवाइड करेगी? स्पाउस और सन्स वाइफ। कई सालों तक अब ये टैक्स प्लानिंग चली, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को समझ में आ गया ये लोग तो हमें फिर से। हाँ। तीसरा प्रोविजन पढ़ो, ट्रांसफर टू थर्ड पर्सन फॉर द बेनिफिट ऑफ वाइफ और सन्स वाइफ। ये भी रोक दिया कि अगर ऐसा कभी भी पता चला कि आपने थर्ड पार्टी ट्रांसफर किया है एंड इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ स्पाउस और सन्स वाइफ, इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। यस। नेक्स्ट काम की चीज वापस आते हैं, एंड आई थिंक द सेकेंड लास्ट पॉइंट, सेकेंड लास्ट थर्ड लास्ट पॉइंट, सैलरी कमीशन अर्न बाय स्पाउस, सैलरी कमीशन अर्न बाय स्पाउस। चलिए ध्यान से सुनिए। देखिए कई लोग क्या करते थे, अपन ने आज तक ऐसा नहीं किया, अपन सिर्फ बता रहे मार्केट में कैसा होता है। ठीक है, सपोज ये आपके विज्जू सर, विज्जू सर इज वर्किंग इन एकत्वम। ठीक है, अब एकत्वम विज्जू सर को पेमेंट देगा तो विज्जू सर तो ऑलरेडी 30% टैक्स में होंगे, ऐसा आप अज्यूम करते हैं। भले अपन तो रिबेट में आते हो, आप तो ये अज्यूम कर रहे हैं ना 42.744 ना। हाँ ठीक है, कैलकुलेशन कितने पक्के बच्चों के, बचपन से कैलकुलेट किया फाउंडेशन से इन्होंने, मेरा फीस इतना, नंबर ऑफ स्टूडेंट इतने, तो टीचर का इनकम कितना, और ये तो सिर्फ एक बैच से है ना, ये तो सिर्फ एक बैच से, साल में ऐसे दो बैच तीन लेवल, ये तो वो रेगुलर हुआ फर्स्ट ट्रैक, वो तो इस बार फ्री है ना। बुक्स, हाँ बुक्स, प्रैक्टिस, इन्वेस्टमेंट इनकम, ऑनलाइन स्टॉक मार्केट, हेरा फेरी फिर हेरा फेरी, बराबर ना। देखा, ई आई गया इनके कैलकुलेटर पे। खैर विजू सर एकत्व में, विजू सर अगर देखा जाए, विजू सर को 30% टैक्स लगता था। विजू सर क्या करते थे जरा समझिए, विजू सर नहीं मैं एग्जांपल दे रहा हूं समझना, ऐसा व्यक्ति जिसका इसके अंदर में क्या है बेटा, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, बराबर है। अब ये अपने सब्सटेंशियल इंटरेस्ट को यूज करके क्या करते थे, एकत्वम को बोलते थे कि भैया तू एक काम कर, पैसा मेरे को मत दे, अकाउंट्स में दिखा कि मेरी जो स्पाउस है, मेरी जो स्पाउस है वो यहां पे जॉब करती है और तू मेरी वाइफ को क्या दे, सैलरी कमीशन बोनस इस नाम से मेरी वाइफ को दे दे, मैं कमाऊं उसको दू या वो खुद अर्न कर ले, बात तो एक ही है। अपन ने भी 100, अपन ने 1 करोड़ रुपए भी कमाया, अपने को बीवी 100 रुपए रोज ही देती। नहीं सच में मैं बता रहा हूं तुमको, मेरे को करीब 7 साल से सिर्फ 100 रुपए रोज मिलता है। कितना? 100 रुपए रोज, मजाक नहीं कर रहा हूं। हाँ नहीं, उसका अपना लॉजिक है, हमारी धर्म पत्नी का अपना अलग लॉजिक है। एक तो लव मैरिज, समझ में आ रही बात, एक तो लव मैरिज, ऊपर से जो बीवी है वो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपनी धर्म पत्नी चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसको हिसाब किताब तो सब समझ जाते हैं, ऐसा भी नहीं कि मैं हिसाब में हेरा फेरी कर लूं। समझ रहे हो, अपने को 100 रुपए रोज देती है, मात्र 100 रुपए रोज, उसका इतना जबरदस्त लॉजिक है। बोले देखो नाश्ता खाना डिनर ये तुम्हारे घर पे होता, पेट्रोल तुम वैसे ऑफिस एक्सपेंसेस क्लेम करते, कार अपन ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज करते ना, बैलेंस शीट आपने भी बनाई है, समझ रहे ना मैं क्या बोल रहा हूँ। मोबाइल एक्सपेंसेस ये तुम्हारे ऑफिस से जाता, बिकॉज इट्स ऑफिस एक्सपेंसेस, स्टाफ सैलरी ऑफिस से जाती, तो तुमको पैसे चाहिए क्यों? अब उस पगली को कौन बताए, हमारे आधे दोस्त ये सोच के घर से निकल रहे कि हमारे पास पैसे हैं, और कितने खर्चे रहते लड़कों के, रहते नहीं रहते, बहुत सारे खर्चे रहते। अब उसको कैसे समझाए हर एक एक्सपेंसेस। मैं पुरुष जन हित में एक बात कहना चाहता हूं, आपकी शादी से पहले आपका एक अकाउंट ऐसा जरूर हो जो वाइफ को पता ना, बैंक अकाउंट एक आपका ऐसा जरूर हो एक आपका भाई बैंक अकाउंट जरूर हो जो वाइफ को, जिसका डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड पैन कुछ भी नहीं रखने का, इधर रखने का ही नहीं, किधर तो भी डिफरेंट जगह पे, समझ में आ रही बात। पर एक अकाउंट ऐसा जरूर हो जिसमें सब क्रेडिट हो। अब समझिए एकत्वम अकेडमी, सिंस मैं एक सब्सटैंशियल इंटरेस्ट होल्ड करता था, वो क्या करते थे स्पाउस को ट्रांसफर कर देते थे, बराबर है। अगर ये स्पाउस को ट्रांसफर हुआ विदाउट
एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो ये इनकम क्या हो जाती है? क्लब। ये उस समय की बात है, ये जब लॉ बनाया गया था ये उस समय की बात है जब वाइफ्स के पास जनरली प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं हुआ करते थे। ये लॉ आज भी एज इट इज पड़ा है। मेरे हिसाब से इस लॉ में से वर्ड प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन गायब कर देना चाहिए। समझ में आ रही बात? पर ऐसा है नहीं। अब लॉ क्या कहता है, अगर कोई व्यक्ति है जिसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है किसी कंपनी या कंसर्न के अंदर में, वो कंपनी या कंसर्न स्पाउस को कोई रेम्यूनरेशन, बोनस या कमीशन देती है विदाउट एनी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, सच इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। अब बताइए, विजय सर एकत्वम में अगर ऐसा कुछ कर भी रहे होंगे, पल्लू के हाथ में कोई सैलरी आ भी रही होगी, तो विजय सर के हाथ में क्लब हो सकती है क्या? बिकॉज वाइफ पजेस प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। द वर्स्ट पार्ट अबाउट लॉ इज दे हैव नॉट एक्सप्लेन वॉट इज प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन। सो इनफैक्ट बी कॉम वुड ऑल्सो कंसिडर अ प्रोफेशनल एंड टेक्निकल क्वालिफिकेशन, नॉट प्रोफेशनल बट एटलीस्ट टेक्निकल। समझ में आ रही बात? तो ये लॉ इस तरह से बनाया गया है, उस समय का लॉ है, आज भी चल रहा है। इफ स्पाउस हैज अर्नड रेम्यूनरेशन फ्रॉम अ कंसर्न वेयर इंडिविजुअल हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट एंड स्पाउस डज नॉट प्रोसेस एनी प्रोफेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन, दैट सच रेम्यूनरेशन विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, अगर एकत्वम कंपनी है तो 20% ऑफ वोटिंग राइट, अगर एकत्वम कंपनी नहीं है तो एटलीस्ट 20% ऑफ प्रॉफिट को हम सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मानेंगे। यस, अच्छा जी सर बताइए, हस्बैंड का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वाइफ का भी सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, ऐसा हो सकता ना कोई एकेडमी हो जिसमें हस्बैंड और वाइफ दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है ना, पॉसिबल है ना? अब दोनों जिनको सैलरी मिल रही है, सपोज विदाउट एनी प्रोफेशनल और टेक्निकल क्वालिफिकेशन, क्योंकि जो आपने सोचा उनमें दोनों के पास है सब जानते क्या सोचा आपने, है ना? अब सपोज अगर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ को मिल रही है सैलरी, दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, तो क्लबिंग किसके हाथ में होगी? पर्सन हैविंग हायर इनकम। वेयर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ हैज सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, द इनकम शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ पर्सन हैविंग ग्रेटर इनकम बिफोर दिस क्लबिंग। क्लियर है मालिक? चलो जी आ जाइए। हम 20% कंसिडर करते वक्त, अब देखिए कितने तेजस्वी लोग हैं भारत के, कितने तेजस्वी लोग हैं भारत के। ये लॉ कब एप्लीकेबल होता था? जब हस्बैंड का या वाइफ का अकॉर्डिंगली सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो। जब हस्बैंड या वाइफ का क्या हो बेटा? सब्सटेंशियल इंटरेस्ट। लोग भागते हुए गए उन महात्माओं के पास, कहा सर प्रभु पथ प्रदर्शित करो, ये लॉ तो हमको इस तरह से रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। उस व्यक्ति ने कहा, तुमको किसने बोला पूरे 20% तुमको होल्ड करने हैं? तुम 18% होल्ड करो, बचे हुए 4% अपने भाई के नाम पे ले लो। समझ में आ रही बात? अब जब सब्सटेंशियल इंटरेस्ट खुद का हुआ ही नहीं, सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, तो लोगों ने क्या किया, खुद सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड ही नहीं करते थे, कुछ खुद होल्ड करते थे, बचे हुए अपने रिलेटिव के नाम पे होल्ड करवा लेते थे। कई सालों बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह भी समझ में आ गया कि साला ये लोग तो हमें फिर से उन्होंने बोला भैया होल्डिंग ऑफ रिलेटिव विल ऑल्सो बी कंसिडर। रिलेटिव मतलब हस्बैंड वाइफ ब्रदर सिस्टर एनी लिनियल असेंडेंट और डिसेंडेंट। तो जब आप ये 20% देखते रहेंगे ऑफ वोटिंग राइट और प्रॉफिट, नॉट जस्ट ऑफ असेसी, ऑफ रिलेटिव विल ऑल्सो बी कंसिडर्ड। यस और नो? चलिए, डू यू नीड अ ब्रेक? नो? कि ये तीन खत्म करूं, खत्म कर दें? चलो, बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी इंपॉर्टेंट, बिजनेस आउट ऑफ गिफ्टेड मनी इंपॉर्टेंट। सपोज कर लीजिए मुकेश अंबानी जी ने अपनी धर्म वाली पत्नी नीता अंबानी जी को क्या किया? गिफ्ट किया। गिफ्ट क्या किया? गिफ्ट ऑफ मनी। नीता अंबानी जी ने गिफ्ट प्लस ओन कैपिटल से क्या खरीद लिया? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस से आने वाला इनकम मुकेश अंबानी जी के हाथ में क्लब होगा। कितना? कितना? पूरा या सब्सटेंशियल? यस,
बोलो क्या? प्रपोर्शनेट या पूरा? प्रपोर्शनेट, प्रॉफिट इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। जब टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड की हम बात करेंगे, गिफ्ट प्लस ओन कैपिटल इसमें इंक्लूड करेंगे। समझ में आ रही है बात? प्रॉफिट इनटू गिफ्टेड अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड। यस, चलो जी। डने मालिक, चलो जी। सेम थिंग इज एप्लीकेबल इफ देर इज एन इन्वेस्टमेंट इन फर्म। फर्म में भी अगर इन्वेस्टमेंट होता है, सेम प्रोविजन इज एज इट इज एप्लीकेबल। नेक्स्ट इज सेक्शन 64(2), ट्रांसफर ऑफ असेट टू एचयूएफ। पॉइंट टू बी नोटेड। यस, पॉइंट टू बी नोटेड। ध्यान से सुनिए सर, ये प्रोविजन ना आपको टैक्सेशन ऑफ एचयूएफ में कवर की गई है मॉड्यूल में। हमने क्लबिंग में ला दी क्योंकि क्लबिंग से एप्लीकेबल है। अगर कोई मेंबर अपना असेट ट्रांसफर कर रहा है एचयूएफ में, बिकॉज एचयूएफ कांट ट्रांसफर टू मेंबर अनलेस देर इज अ पार्टीशन। समझ में आ रही बात? अगर कोई मेंबर अपना असेट ट्रांसफर कर रहा है एचयूएफ में, यस बेटा, हाँ जी, मयूर बोल रहा है। भाई रोको सको, ब्रेक लास्ट सेक्शन है मेरे भाई, लास्ट सेक्शन है। वैसे ही तेरे को ब्रेक मिलना है, ब्रेक के बाद हम न्यू टॉपिक चालू करेंगे, राइट? क्रॉस ट्रांसफर, एक्चुअली क्रॉस ट्रांसफर का कोई सेक्शन नहीं है। क्रॉस ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन अ जजमेंट कॉल्ड एज केशव जी मुरारजी। क्रॉस ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन अ जजमेंट केशव जी मुरारजी। इट्स अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट एंड दैट्स व्हाई अ कॉन्सेप्ट अराइजेस। देखिए लोग किस तरीके से क्रॉस ट्रांसफर करके क्लबिंग अवॉइड कर सकते हैं, बराबर है? सपोज ये दो व्यक्ति है, ये है विज्जू और ये है विज्जू के भैया विनय भैया। क्लियर है? विजय अगर अपनी स्पाउस को डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा तो क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। विजू मेक अ कॉल टू विनय भैया, विनय भैया को बोलता है आपके पास कैश पहुंच जाएगा, इतने अमाउंट का ट्रांसफर आप किसको करो? स्पाउस, बराबर है? अब ये ट्रांसफर किस तरीके से वो प्रोवाइड कर देगा? विजय विनय भैया का सन, विनय सन को क्या प्रोवाइड कर देंगे? गिफ्ट। अब देखिए क्या मस्त क्लबिंग प्रोविजन अवॉइड हुए। समझ में आ रहा है? मस्त क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हुए। अब ऐसे केस में एओस कई बार असेसमेंट करते वक्त अटक जाते थे, एओस कई बार असेसमेंट करते वक्त अटक जाते थे क्योंकि देर इज नो डायरेक्ट ट्रांसफर। और अकाउंटिंग एंट्री के थ्रू क्या कर दिया जाता था? ट्रांजैक्शन इसका उसमें और उसका उसमें रिवर्स कर दिया जाता था। अब जब कोई सेक्शन ही नहीं है, एओ क्लबिंग प्रोविजन लगाता भी था तो उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाता था। वो कहते थे कि क्लबिंग प्रोविजन के लिए कोई रिलेवेंट सेक्शन ही नहीं है, जबकि एओ प्रूव कर सकता है कि दैट देयर इज अ ट्रांजैक्शन इन सच अ वे दैट टैक्स कुड बी अवॉइडेड। ऐसे केस में क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट ही नहीं हो पाता था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया केशव जी मुरारजी केस में, उन्होंने कहा इफ ट्रांजैक्शन आर इन सच अ नेचर दैट इट कैन बी क्लियरली अंडरस्टूड दैट अ सर्किटियस मेथड इज फॉलोड। कौन सी मेथड? सर्किटियस मेथड इज फॉलोड, इसका उसको उसका इसको, सर्किटियस मेथड कुड बी फॉलोड विच हेल्प्स टू अवॉइड द टैक्स। ऐसे केस में एओ के पास क्लबिंग प्रोविजन आ जाएगा, क्लबिंग प्रोविजन उसको क्या किया जाएगा? अप्लाई किया जाएगा। पहले ऊपर पूरी चीज लिखी हुई है। कोर्ट ने ऑब्जर्व किया इफ टू ट्रांजेक्शन आर इंटरकनेक्टेड एंड पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन इन सच अ वे दैट इट कैन बी सेड दैट अ सर्किटियस मेथड वाज अडॉप्टेड एज अ डिवाइस टू इवेड द टैक्स, इंप्लीकेशन ऑफ क्लबिंग प्रोविजन वुड बी अट्रैक्टेड। क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट हो जाएगा। ये जो एग्जाम्पल लिया मैंने वो सेम यही है। समझ में आई बात? राइट, रजिस्टर में जाइए, क्रॉस ट्रांसफर लिखिए, केस लिखिए, जितना सिर्फ यहां पे हाईलाइट किया उतना लिखिए, इतना लिख लो और छुट्टी ले लो। इज इट डन?